ओके हो गया स्टार्ट। तो आज का टॉपिक काफ़ी मज़ेदार होगा। आज के टॉपिक में दो सिचुएशनों के लिए मैं तुम्हें रेडी करूँगा, एक इंटरव्यू और इंट्रोडक्शन, एक में ही हो जाएगा क्योंकि जो क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चन आंसर सिमिलर ही होते हैं, पर थोड़ा फ़र्क होता है इंटरव्यू में और इंट्रोडक्शन में। क्वेश्चन जो होते हैं, क्वेश्चन आंसर्स सिमिलर ही होते हैं इंटरव्यू में और इंट्रोडक्शन में, पर थोड़ा इतना सा फ़र्क है कि इंटरव्यू ये है, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम देव है। तुम कहाँ रहते हो? मैं पूछ रहा हूँ। मैं डैश जगह में रहता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं पंजाब में रहता हूँ। तुम क्या करते हो? मैं पढ़ाता हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ। आया समझ? ये इंटरव्यू है, मैं क्लियर कर रहा हूँ तुम्हें पता। ऐसे तुम्हें इतनी कॉमन सेंस है बट फिर भी। इंट्रोडक्शन, मान लो एक नया बच्चा आया, मैंने बोला सारे इधर देखो, एक नया बच्चा आया और ये तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन देगा, और तुम खड़े हो गए पोडियम पर, पोडियम मतलब डाइस पर खड़े हो गए। यहाँ पर तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं पुट करेगा, तुम सीधे अपना आप ही परिचय दोगे, बोलोगे हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ वंश, आई स्टडी इंग्लिश, आई लिव इन डैश जगह, माय एज इज़ डैश, ऐसे ऐसे। इंटरव्यू में क्वेश्चन फिर आंसर दिया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कोई, ओके, और सामने से तुम आंसर दोगे तुम इंटरव्यू में। इंट्रोडक्शन में सीधे तुम अपना ही खुद ही परिचय दोगे, अपनी तारीफें खुद ही कर देनी है तुम्हें, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, ये सब है। बट जो आंसर्स है दोनों में सेम ही होंगे। तुम इंटरव्यू करना आ गया तो इंट्रोडक्शन आ जाएगा, इंट्रोडक्शन आ गया इंटरव्यू में, ये आ गया तो ये तो आ ही जाएगा तुम्हें, ठीक है। इंट्रोडक्शन पता लग गया ना, खुद ही अपने आप ही सारा अपना गाना गा देना है। इंटरव्यू में सामने वाला जो पूछेगा उसके हिसाब से वही आंसर देना है। आया समझ? ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ आज के लेक्चर में क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करेंगे। यहाँ एक आउटलाइन दे देता हूँ, मतलब इंडेक्स बना देता हूँ। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊँगा कि क्या मैनर्स या क्या फॉर्मेलिटी का तुम्हें ध्यान रखना चाहिए जब तुम इंटरव्यू दे रहे हो। मैनर्स तो पता ना कैसे तुम्हें बिहेव करना चाहिए। इधर उधर नहीं हूँ मैं, इधर हूँ। उसके बाद कैसे फिर हम क्वेश्चंस पर आएंगे, जैसे कि तुम्हारा नाम क्या कोई पूछ ले, ये तुम्हें ऑलरेडी शायद पता ही होंगे, कोई प्लेस, एज, तुम्हारी फैमिली के बारे में पूछ ले अगर तुम्हें इनका आंसर देना है, इनके क्वेश्चन रिलेटेड करेंगे। फिर उसके बाद एडुकेशन, तुम्हारी जो क्वालिफिकेशन है, एडुकेशन क्या है, उसके बारे में क्वेश्चन आंसर। उसके बाद तुम्हारा एक्सपीरियंस, मतलब जॉब की बात कर रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद तुम्हारी पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी मतलब तुम्हारा व्यक्तिगत, तुम्हारा चरित्र। लास्ट में हॉबीज। ये टॉपिक्स मैं आज के इंटरव्यू में कवर करूँगा, तुम्हें बताऊँगा कैसे तुम्हें बिहेव करना चाहिए, कैसे पेश आना चाहिए जब तुम इंटरव्यू दे रहे हो। और तुम इधर पेश आओ, ज़रा उधर बहुत खिड़की की तरफ देख रहे हो, ठीक है। फिर तुम बोलोगे सर बताते नहीं हो हमें, तो देख लो इधर मैनर्स, फॉर्मेलिटी, नाम, पता, उम्र, परिवार, तुम्हारी एडुकेशन, तुम्हारी क्वालिफिकेशन, क्या किया है तुमने, क्या तुमने कोई काम किया है क्या, और लास्ट उसके बाद तुम्हारा पर्सनैलिटी कैसी है, तुम कैसा पर्सन हो, कैसे पर्सन हो, और लास्ट में तुम्हारे शौक, हॉबीज, इन सभी के रिलेटेड आज हम चीज़ें बातें करेंगे। तो देखो, जब हम ऐसे अभी मान के चलते हैं, अभी इंटरव्यू के कर रहे हैं हम क्वेश्चन, मैं मेनली इंटरव्यू पर फोकस करूँगा। तो तुम्हें ध्यान रखना है, इंटरव्यू में दो होते हैं लोग, कौन कौन होते हैं कोई इमेजिन कर सकता है? दो लोग ही होते हैं ना ज़्यादातर, या तो पूछने वाले होंगे या जवाब देने वाला होगा। जैसे कि तुम कल जॉब देने जा रहे हो, तुम्हें कोई पूछेगा? जो पूछने वाला होगा उसे हम कहते हैं इंटरव्यूअर। इंटरव्यू लगाने के बाद ईआर लगा दिया, जो पूछता है उसको क्या कहते हैं? हाँ, क्वेश्चनर कह दो, जो क्वेश्चन करता है। मैं सिंपल लिख रहा हूँ, क्वेश्चन वाला, ठीक है। एक भी हो सकता है, कई बार ज़्यादा भी हो सकते हैं, कई बार ग्रुप ना झुंड बनाकर बैठे होते हैं वो, पूरा ऐसे देखा है कभी फिल्मों में, कहीं देखा होगा पूरा टेबल पर पूरा पैनल बैठा होगा और तुम बेचारे अकेले। या तुमने वो यूपीएससी के एग्ज़ाम के देखे कभी कोई तैयारी, आईएएस, वहाँ तीन चार लोग बैठे होते हैं, वो अकेला आता है, मे आई कम इन सर, मे आई सिट हियर, थैंक यू, वो तीन चार बारी बारी टर्न बाय टर्न क्वेश्चन करते। वैसे भी हो सकता है, अकेले अकेला वाला भी हो सकता है। मेरा अकेले वाला हुआ था स्टार्टिंग में, जब मैं कहने गया था इंटरव्यू, सामने प्रिंसिपल थे कॉलेज के। तो मेरी भी कहानी बताऊंगा मैं थोड़े टाइम में, मेरी भी बड़ी मज़ेदार कहानी है इंटरव्यू की, कि मैं कैसे टीचर बना, कैसे मैं आया यहाँ। इंटरव्यूअर और जो आंसर देता है उसको तुम बोलोगे इंटरव्यूई। क्या बोला? इंटरव्यूई, इंटरव्यूई, थोड़ा बोलने में है ऐसा,
इतना रट्टा मारने की जरूरत नहीं, बस दे रहा हूँ तुम्हें नॉलेज थोड़ी सी। ये क्या करता है, जवाब देता है कि सवाल करता है? जवाब देता, आंसर करता है। तुम कौन हो? ये कि ये वो? तुम इंटरव्यू और मैं तुम्हें पूछूंगा मैं कौन हूँ, इंटरव्यूअर। तो अभी हम मान लेते सिचुएशन स्टार्ट हो गई है, इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है, तुम इंटरव्यू देने गए हो तैयारी करके पूरी, तुम बाहर बैठे हो, क्वेश्चंस पर आएंगे और उससे थोड़ा पहले देखते हैं क्या होगा। इंटरव्यू से पहले भी दो तीन चीज़ें तुम्हें माइंड में रखनी चाहिए। पहली चीज़ मैं इसको रेज कर दूँ कि लिखना है तुम्हें, लिख लो, इंटरव्यूअर और इंटरव्यू कौन है? अरे भाई डस्टर का है ये ना। अरे वहाँ पर जाना अंशु भागकर, बोर्ड वहाँ टेबल जो है ना मेरा, वहाँ पर एक डस्टर होगा, ले आओ जल्दी। जल्दी वो मैम ले गए थे, अभी मैंने देखा डस्टर ही नहीं है, तुम लिख लो जल्दी से। आ रहा है समझ? इतना अभी आएंगे हम कैसे इंटरव्यू देना है, पर उससे पहले भी थोड़ी बहुत ही चीज़ें फॉर्मेलिटीज मैनर्स तुम्हें पता होने चाहिए, ध्यान रखना जब इंटरव्यू देने जाओगे। कोई डाउट? पक्का सुन रहे हो? नहीं सुन रहे हो? पकड़े गए ना, चिंगम बाद में खा लिया कर तू, चिंगम खाना मना नहीं है बट चल अब मत खा ले, क्यों फेंक नहीं, इशू नहीं है, बड़ा आगे ध्यान रखना। चलो देख लो, तुमने नहीं लिखा था ना अंशु, लिख लो क्वेश्चन वाला आंसर वाला, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन वाला या वाले, वाला भी हो सकता है वाले भी हो सकते हैं, क्यों हो सकता है पता ना, एक भी हो सकता है क्वेश्चन वाले एक से, क्या बोल रहा हूँ, ज़्यादा भी हो सकते हैं, और आंसर वाला तो एक ही होता है, दो बिठा कर तो देते नहीं है कभी कि तुम्हें भी बुला लिया। हाँ कई बार टाइम कम है शायद, हो सकता है इसे बुला ले, होता नहीं वैसे, एक को ही बुलाते हैं टर्न बाई टर्न। आइट का भी तुम एग्ज़ाम दोगे वहाँ पर भी, ये जो इंटरव्यू दे रहा हूँ ये जॉब में भी काम आ सकता है, और कल को तुम कहीं आइट्स बाहर जा रहे हो, कोई इसकी तैयारी कर रहे हो, उसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चन जो आज कराऊंगा आते हैं, ये वाले क्वेश्चन नाम पता वाले सारे। चलो हम अपने सिचुएशन मानी कि तुम आज बन गए हो इंटरव्यूई और तुम जा रहे हो इंटरव्यू देने, तो तुम्हें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जब जा रहे हो। पहली चीज़ जो तुम्हें माइंड में रखना है, ऐसे कह लो रूल्स हैं, ऐसे माइंड मान के चलो, बी ऑन टाइम। बी ऑन टाइम का मतलब पता है किसको? पता है बी ऑन टाइम का मतलब? टाइम क्या होता है, टाइम क्या होता है? समा, वक्त। तो मैं कह रहा हूँ जब तुम इंटरव्यू देने जाते हो तो पहले टाइम पर तो पहुँचो, बी ऑन टाइम, अपने टाइम पर हो इंटरव्यू, क्योंकि उन्होंने टाइम सेट किया होता है कि इतने बजे इसको पर्सन को बुलाएंगे। तुम्हें 10 बजे बुलाया और 10:30 बजे बुलाया, तुम सॉरी 10 बजे बुलाया और तुम 10:30 बजे पहुँचे, तो क्या अच्छा इफेक्ट पड़ेगा? ये नहीं पड़ेगा, तो टाइम का ज़रूर ध्यान रखना। दूसरी चीज़, तुम जो कपड़े पहन के जा रहे हो फॉर्मल होने चाहिए, ट्राई करो फॉर्मल आउटफिट कह सकते हो, या ड्रेस है जो तुम्हारी साफ सुथरे फॉर्मली पहने हो, फॉर्मली मतलब फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट और शूज़ जो तुम्हारे वो भी फॉर्मल होने चाहिए, अगर तुम बढ़िया जगह जा रहे हो इंटरव्यू देने। हाँ अगर तुम राजू की दुकान पर इंटरव्यू देने जा रहे हो तो वहाँ पर नहीं, वहाँ तुम शर्ट पजामा पहन के भी चल जाओगे, चल जाएगा ठीक है। अगर फ्लिपकार्ट जैसी जगह या कोई बढ़िया जगह पर जा रहे हो तो अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए फॉर्मल आउटफिट पहन के जाना ज़रूर। या आइल्स का एग्ज़ाम भी देने जा रहे हो, मेरा एक बच्चा था वो भी बाहर की तैयारी कर रहा था, वो गया था, वो केरला गया था देने इंटरव्यू, यहाँ से इज़ा हर जगह तो हमें पता होता नहीं है, तो उसको वहाँ जाना पड़ा, केरला जाना पड़ा या कोलकाता सॉरी बंगाल में जाकर कोलकाता, तो वहाँ पर जाकर बिल्कुल नाइट नीटली क्लीन पूरा तरीके से कपड़े पहन के गया था, उसने लेके गया था अपने साथ, कि जब जिस दिन मेरा इंटरव्यू होगा एक दो दिन पहले पहुँच गया और जिस दिन होगा पूरा तैयार होकर गया था। ये तो मेरा कॉमन सेंस है, तुम्हारी सही टाइम पर पहुँचना है और कपड़े फॉर्मल पहनने की कोशिश करो। अगला, तुम्हारे पास तुम्हारा रिज्यूम होना चाहिए, रिज्यूम पता है कि नहीं तुम्हें? रिज्यूम मतलब ऐसे देख लो, तुम्हारा जैसे आधार कार्ड होता है ना, आधार कार्ड में तुम्हारी फ़ोटो लगी होती है, तुम्हारा नाम लिखा होता है, तुम्हारी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है ना, इंस्टा पर हो तुम? हाँ हो, तो इंस्टा पर तुम अपने अपनी बायो बनाते हो ना कि मैं ये हूँ, मेरे इतने टाइप को बर्थडे होता है, मैं ये हूँ वो हूँ लिखते हो ना अपनी बायो में, रॉयल एंट्री ऑन डैश डेट केक मर्डर और डैश डेट, तो वैसे वहाँ पर तुम अपनी ऊटपटांग की चीज़ें लिखते हो। वैसे ही रिज्यूम एक पेपर होता है एक दो पेज का,
वहाँ पर तुम अपना नाम पता, तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है, मतलब प्रोफेशनल एक अपनी बायो देते हो, प्रोफेशनल, मेरा नाम, मैं कहाँ रहता हूँ, मेरा नंबर, मेरी मेल, मैं ये जॉब क्यों सीख कर रहा हूँ, क्यों ढूंढ रहा हूँ ये वाली जॉब, मेरा एक्सपीरियंस क्या है। जो इंटरव्यू में क्वेश्चन बताओगे ना आंसर, वो सारे पेपर में भी होता है, वो देख सकता है, पूछ सकता है, अच्छा आपने यहाँ से पढ़ाई की है, समझ आया तुम्हारा, जैसे कुंडली होती है ना वहाँ पर, वैसे प्रोफेशनल कुंडली होती है तुम्हारी, रिज्यूम पता लगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, तुम कंप्यूटर पे, तुम्हें बनाना सिखा दूंगा मैं थोड़े टाइम में, तुम्हें तो ऑलरेडी पता तुमने कंप्यूटर किया है। कई लोग तो 100-100 रुपये का बनवाते हैं कैफे में जाके, पता है 100 रुपया दे के बनवाते हैं, अपना कागज़ पे लिख देते हैं ये मेरी डिटेल है, वो कंप्यूटर में बना के देते हैं। आजकल इजी हो गया है, गूगल पर जाओ, सर्च करो मेक रिज्यूम ऑनलाइन, वो तुम्हें डिटेल्स पूछेगा क्या 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 क्या, पूरा एक कागज़ बना के दे देगा। चलो टाइम पर पहुँचना है, कपड़े फॉर्मल पहनने हैं, और तुम्हारा रिज्यूम हो, और आए तो साथ में कोशिश करो सर्टिफिकेट्स भी तुम्हारे पास हों, जो मेन मेन है। जैसे कि मान लो अगर तो नए हो तो तुम्हारे 10वीं 12वीं या तुमने जो कॉलेज का कोर्स किया है, जो भी तुम बताने जा रहे हो कि देखो मैंने ये क्वालिफिकेशन ली है, तुम्हारे पास सर्टिफिकेट भी तो होना चाहिए। ऐसे तो मैं भी बोल दूँ मेरे पास PhD है, पर मेरे पास दिखाने के लिए अवार्ड भी तो होना चाहिए मेरा पेपर जो होता है, पर वो भी दिखाने के लिए होना चाहिए, कम से कम फोटो शेड हो और इनर दिखे कि हाँ कलरफुल हो वो हो। अगर मान लो तुमने पहले ही कहीं काम किया तो वहाँ से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके जाओ, तुम बोलो कि सर मैंने ना ये कंपनी में 5 साल काम किया है, तो हम कैसे मान लें, क्या प्रूफ है, तो अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लेके जाओ। देखा ना तुमने एक ब्लैक कलर का लोग करके घूमते हैं, कैरी करते हैं, उसमें सारी फाइल सारा कुछ लगा होता है, तो वो लेके जाओ अपना रिज्यूम और सारे सर्टिफिकेट अगर तुम्हें जिसकी ज़रूरत है। इतना पता लगा। अब चलो तुम पहुँच गए, कपड़े पहन के तैयार श्यार हो के, परफ्यूम लगा के, अपना रिज्यूम तैयार करके, तुमने सीख लिया कैसे बनाते हैं सर्टिफिकेट लेके, 12वीं का 10वीं का, तुम्हारा मान ले तुम 12वीं वाले हो, तुम क्या कर रहे हो, ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन, तो तुम अभी तुम्हारे पास नहीं है ना वो, तुम्हारे पास DMC होगी पुरानी जो तुमने सेमेस्टर कर लिए, 12वीं का सर्टिफिकेट सारा ले के गए तैयार श्यार, और टाइम पर भी पहुँच गए साफ सुथरे बिना कोई कीचड़ के पैरों के, तो तुम पहुंच गए टाइम पर। अब तुम्हें जाना है, तुम्हें आवाज़ आई, हम मान लेते हैं अंशु हमारा इंटरव्यू ही है कि इंटरव्यूअर, मुझे पता लग जाएगा तुमने सुना था कि नहीं, अंशु हमारा इंटरव्यू ही है कि इंटरव्यूअर, व्यू ही है, इंटरव्यू ही हमारा अंशु गया लेके सज धज के ऐसे गया और बैठा है ऐसे चेयर पर बाकी सभी लोगों के साथ, तुमने देखा ना रिसेप्शन पर बैठे होते हैं, तो इसको आवाज़ आई, अंशु तुम्हारा पूरा नाम क्या है, गुरदीप सिंह, इसका ओरिजिनल नेम है ओरिजिनल क्या है ऑफिशियल नेम है गुरदीप सिंह, तो किसी ने लेडी ने पूछा गुरदीप सर गुरदीप सिंह, तो बोला हाँ जी मैं ही हूँ, आपको बुलाया है इंटरव्यू के लिए, आ जाओ अंदर। तो ये गया कौन हमारा इंटरव्यू ही गुरदीप सिंह, अभी गुरदीप सिंह है ना ऑफिशियल हो गया, अंशु थोड़ी बोलेंगे तो घर का नाम है। तो ये गया तो सीधा कमरे में बढ़ गया, क्या किया इसने कमरे बढ़ गया, ये नहीं करना है, अगर तो देखो ना डोर लगा है, अगर नहीं भी लगा है क्या किया मैंने, नोक नोक करना है, नोक नोक कौन है तो हमेशा ध्यान रखना ये मैनर छोड़े कि सीधा अंदर मत बढ़ जाना लोगों के, तुमने वो वाली वीडियो में भी देखा होगा, तुमने कहा ना IAS वाले देखे एग्ज़ाम, वहाँ पे भी ऐसे नहीं बढ़ जाते, वो पूछते हैं मे आई कम इन, अगर तुम मान लो वो बिजी है तो सीधा तो तुम बोल नहीं दोगे मे आई कम इन, तो पहले क्या करो उसकी अटेंशन ग्रैब कर लो, नोक नोक मैं इंटरव्यू हूँ, मैं गया हूँ कमरे के बाहर खड़ा हूँ, मान लो दरवाज़ा है, यही दरवाज़ा है, तो मैं सीधा खोल के अंदर जाकर नहीं बैठ जाऊँगा, हाँ जी क्या हाल चाल, मैं क्या करूँगा, वो अपने काम में लगा है जो मेरा इंटरव्यूअर है, उसका मैं ध्यान अपनी तरफ खींचूँगा, वो देखेगा, मैं दरवाज़ा खोलूँगा, फिर मैं बोलूँगा मे आई क्या, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, तो क्या करना तुमने, नोक नोक कर लेना अगर है दरवाज़ा तो, ऐसे ही बेशरम बन के मत बढ़ जाना, ठीक है, बेशरम नहीं बनना है, तमीज़दार बनना है वहाँ पर, नोक नोक और साथ में पूछ लेना एंड मे आई कम इन पूछ लेना, ये लिख लो, ये सारे स्टेप ध्यान रखना तुम्हारे काम आएंगे पक्का। मैं आज भी नौकरों करता हूँ ऑफिस, हर बार तो नहीं करता, जब प्रिंसिपल के ऑफिस में जाता हूँ कई बार बिजी होते हैं, फिर मैं ऐसे ही पढ़ जाता हूँ, मैं भी बेशर हूँ, पर इंटरव्यू वाले दिन में गया था नौकरों किया था मुझे याद है मैंने शायद ठीक है, ये लिख लो तुम भी, तुमने कुछ नहीं लिखा, इतना समझ आया, और जो देख रहा है वीडियो वो तो लिखे ही लिखे, होशियारी मत मारे कि हाँ जी समझ आ गया,
हाँ तुम्हें पहले से एक्सपीरियंस है, तुमने थोड़ा बहुत सीखा है तो समझता हूँ। नया हो बिगिनर हो तो ये लिख लो, जो आज चीज़ें मैं करा रहा हूँ ये बेसिक है बिगिनर के लिए, जो नए बच्चे हैं जिनको बिल्कुल ही नहीं पता कैसे देते इंटरव्यू या इंट्रोडक्शन, तो उनके लिए ये सारे सिचुएशन, ये सभी इंटरव्यू के क्वेश्चन के लिए, इंटरव्यू की तैयारी के लिए, इसके लिए नहीं तो तुम्हें नहीं करना पड़ेगा इसमें तो तुम। हाँ इसमें भी थोड़ा पता मेरे से पूछ के आ जाओगे, नोक नोक, सॉरी पूछ के कह रहा हूँ नोक नोक, मैं बोलोगे मे आई कम इन सर, मैं बोलूँगा आ जाओ, फिर नया बच्चा, फिर इंट्रोडक्शन दे दोगे। आ रहा कि नहीं समझ कुछ? ठीक है, नोक नोक हो गया, अंशु आ गया अंदर। हाँ अभी तो बोला नहीं मैंने आने को, तो ये बोला मैंने देखा इधर से ऐसे पेपर देख रहा था, मैंने देखा तो अंशु इधर से बोला दरवाज़ा खोल के, मे आई कम इन सर, तो मैं बोला यस प्लीज़ कम इन, या मैंने ऐसे इशारा कर दिया, कई बार मैं बिजी भी तो हो सकता हूँ, तो मैंने बोला तो तुम आए इधर से, ठीक है। तो यहाँ चेयर पड़ी थी, ये मान लो ये चेयर लगा रहता हूँ मैं, ये चेयर है और मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं इंटरव्यूअर हूँ ऐसे कागज़ लेके, और तुम आए यहाँ से सीधा आकर ऐसे बैठ गए, ठीक है सब कुछ? नहीं कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ पूछा भी क्या, विश भी नहीं किया उसने तो मुझे, विश भी करना है, तुमने मे आई कम इन तो कर लिया आ गए, उसके बाद ग्रीट भी तो करना है, विश भी तो करना है, तो तुमने बोलना था सर गुड मॉर्निंग नमस्ते सत श्री अकाल, जो तुम्हें कंफर्टेबल लगता है टाइम देख के। हाँ कई बार तुम्हें गलती लगती है कि दोपहर है कि सुबह है, तो नमस्ते ही बोल दो चल जाएगा, इतना कोई वो बड़ी बात नहीं है, कोई ज़्यादा इंग्लिश भी नहीं मानने की ज़रूरत है, नमस्ते भी बोलो अच्छा लगता है लोगों को। तो तुमने मुझे बोला अंशु ने मे आई कम इन करने के बाद, जो मैंने बोला प्लीज़ कम इन, तो अंशु बोला गुड मॉर्निंग सर, तो मैं भी क्या बोला गुड मॉर्निंग प्लीज, फिर विश हो गया और फिर चेयर लग गई है यहाँ, ठीक है। अब अंशु फिर ऐसे ही बैठ गया, सब ठीक है क्या? पूछा नहीं, पूछना भी तो था, कैसे पूछते हैं जब किसी को पूछना हो कि मैं चेयर पर बैठ जाऊं? कई बार क्या होगा कि तुमने विश कर दिया ना, मैं सामने से ही बोल दूंगा, मैं बोलूँगा प्लीज़ सिट हेयर, अगर चेयर पास में है, अगर दूर है तो बोलूँगा प्लीज़ सिट देयर, पता है ना, पास हो तो हेयर, दूर हो तो देयर, पास हो तो हेयर, दूर हो तो देयर, जब कोई जगह की बात करें, जब मैं बोलूँ पास में आके बैठो यहाँ, यहाँ मतलब हेयर, वहाँ मतलब देयर, तो मैंने बोला प्लीज़ सिट हेयर, ये मैंने सामने से ही बोल दिया। पर कई बार ना पूछो तो बेशरम नहीं बन जाना, पूछ लेना है, अंशु ने तो गलती कर दी नहीं पूछा, अब उसको पता लग गया, वंश को वंश गया, वंश ने भी नोक नोक किया, सीधा बढ़ गया, सही था नोक नोक किया वंश ने, अंदर ही आ गया, सही था? नहीं क्या बोलना था, मैं आई कम इन सर, तो मैंने बोला हाँ जी यस प्लीज़ कम इन, फिर वंश ने क्या करना था, उसके बाद क्या करना था, नोक नोक हो गया, मैं आई कम इन हो गया, विश करना था गुड मॉर्निंग सर नमस्ते, तो मैंने भी बोला इंटरव्यूअर पता ना क्वेश्चन वाला यस गुड मॉर्निंग वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नमस्ते, फिर या तो मैंने बोल दिया प्लीज़ सिट हेयर, तो तुम बैठ जाओगे चेयर पर, ठीक है, पर अगर नहीं बोला तो क्या पूछना है देख लो क्वेश्चन, कैन आई यस इसे मतलब मैं बैठ सकता हूँ क्या चेयर पर, कैन आई सिट हेयर, हेयर मतलब अगर पास में है, दूर होती तो क्या बोलते, कैन आई सिट देयर, तुमने सामने से पूछा तो मैंने क्या बोलूँगा, नहीं मैंने बोला नहीं कर जा तू आज क्या बोलूँगा, बैठ जाओ प्लीज़ सिट, तो तुमने भी क्या किया, या दो सिचुएशन बता दी मैंने, या तो मैं सामने से बोलूँगा बैठ जाओ, या अगर नहीं बोला तो तुम बेशर्म मत बनो, तुम पूछ लो कैन आई सिट हेयर या देयर, तो जब मैंने बोला हाँ तुमने बोला कैन आई सिट हेयर, तो मैंने बोला यस प्लीज़ सिट, तो फिर अंशु क्या किया बैठ गया ऐसे, अंशु बैठ गया, तो बैठने के बाद क्या बोलना था, थैंक यू, बैठने के बाद मैं लिख दूँ यहाँ, इसको रेज कर देता हूँ 6 पॉइंट, जब तुम पूछ लिया या तुमने सामने से बोला चाहे मैंने बैठ जाओ, या तुम पूछ कर बैठे, तो विश हमेशा थैंक यू जरूर बोल देना,
ठीक है, कर सकते हो कि नहीं इतना कि बोलना मुश्किल लगता है थैंक यू सामने वाले को? हाँ, कर पाओगे कि नहीं? कि नहीं हो पाएगा तुमसे? तुमसे ना हो पाएगा, हो जाएगा। ठीक है, टाइम पर आना, कपड़े सही पहनना, अपने सर्टिफिकेट रिज्यूम लेके चलना साथ में। ये मैं क्यों लेके घूम रहा हूँ? मैं तो ऐसे बता रहा था, नोक नोक, मे आई कम इन सर? उसके बाद विश कर देना सामने से, ले भी लेना विश रिप्लाई। मैं बैठ जाऊँ अगर तुमने नहीं पूछा है? अगर बोल दिया बैठ जाओ, दोनों में पूछा भी, बोलने पर बैठा, दोनों पर रिप्लाई दे देना बैठने के बाद। क्या बोलना है? थैंक यू सर। अब स्टार्ट होगा इंटरव्यू तुम्हारा, ठीक है? इतना आया समझ? ये थोड़े फॉर्मेलिटीज या मैनर्स थे जो मैंने तुम्हें बता दिया स्टार्टिंग में। ये मेन मेन चीज़ें थी जो तुम्हें ध्यान रखनी चाहिए। सबने लिख लिया? पक्का समझ आया कि नहीं? कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि ये तुम्हारे काम की चीज़ है। ये नहीं है कि हाँ ये कहाँ ही काम आएगा, छोड़ो, ये वो चीज़ नहीं है। क्योंकि तुम, मुझे पता है तुम जॉब करने वाले हो, आज नहीं तो कल तुम जॉब करने वाले हो, देखने वाले हो, कहीं इंटरव्यू दोगे, एटलीस्ट तुम कहीं से, तुम कहीं पर जाओगे तो तुम्हें ये चीज़ बोलनी ही पड़ेगी। अगर इंग्लिश में वहाँ बात हो रही है, अगर नहीं भी हो रही है, मान लो हिंदी में हो रही है, फिर भी तुम्हारे काम आएंगी कितनी चीज़ें। मान लो हिंदी में ही बात हो रही है, फिर भी टाइम पर तो सही पहुँचना है, कपड़े तो फिर भी सही ही पहनने हैं, रिज्यूम सर्टिफिकेट तो लेके ही जाना है, नोक नोक तो फिर भी करना है, इसका हिंदी इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है। वहाँ पूछ लोगे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, विश तो वैसे भी करना है हिंदी पंजाबी में, मैं क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? अगर तुम इंग्लिश नहीं भी आती तो हिंदी में भी पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर भूल गए वहाँ पर, मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, धन्यवाद, थैंक यू, तो सबको ही पता है, इतना वो टफ नहीं है। क्लियर? इतना ये चीज़ें थी इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले, मतलब क्वेश्चन पूछने से पहले, समझ आया? अब इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? अब क्वेश्चन आंसर्स होंगे। मैं रेज करूँ? पक्का? तुम कुछ बोल नहीं रहे हो आज, क्या बात है? तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया क्या? फिर दुखी दुखी लग रहे हो? ठीक है, मैंने तुम्हारा लेना भी है इंटरव्यू, सब करवाऊंगा, सारा वहाँ से दरवाजे से लेके आऊँगा, तुम्हारे झूठे मूठे सर्टिफिकेट भी बनवाऊँगा। सर्टिफिकेट नहीं, झूठे मूठे मतलब कागज़ कूदे, थोड़ा तुम्हें फील दूंगा, ठीक है? कल तुम तैयार श्यार होके आना, ठीक है? इतना भी नहीं कि फॉर्मली बन के आ जाना, थोड़ा बाल बुल सेट कर लेना, वैसे तुम्हें बाल बुल सेट करना पसंद है, करके ही आए हो बस। हाँ, सेट करना है कि क्योंकि सेट करना है आया तो। चलो देख लो, इधर ये चेयर हटा देता हूँ, नहीं ज़रूरत। अच्छा होता दो चेयर पर, मैंने इसलिए नहीं रख रहा हूँ चेयर, कैमरा एंगल थोड़ा नीचे हो जाता मेरे हिसाब से ना चेयर। अच्छा तुम चलो रहने दो, अब स्टार्ट करते हैं। ये हो गया मैनर्स, फॉर्मेलिटी पता लग गए, अब क्वेश्चंस पर आते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी पता होंगे, अगर कोई वीडियो देख रहा कह रहा कि सर ये तो मुझे पहले ही पता था, थोड़ा स्किप कर लो, कुछ कुछ क्वेश्चन आंसर तुम्हें ऑलरेडी पता होंगे। तो हमेशा जब भी तुम इंटरव्यू देने जाते हो, विश विश करने के बाद, बैठने के बाद, पहला क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं क्या, आपका नाम क्या है? लिख लो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज योर नेम? सबसे इजी क्वेश्चन, तुम्हें ऑलरेडी आंसर पता होना चाहिए मेरे हिसाब से, इतनी कॉमन सेंस है, इतने बड़े हो गए हो तुम, तुम्हें पता ही है। क्या आंसर दोगे? हम मान के चल रहे हैं मैं अंशु हूँ, मैं गुरदीप सिंह हूँ, सॉरी ऑफिशियल नेम, मैं गुरदीप सिंह हूँ, ठीक है? मैं देवसर नहीं हूँ अभी, मैं गुरदीप सिंह हूँ। तो मैं क्या लिखूँ? माई नेम इज क्या? देखना गुरदीप सिंह सही नाम है ना कि नहीं, स्पेलिंग ठीक है? माई नेम इज गुरदीप सिंह, ईजी क्वेश्चन है सबसे आसान। वट इज योर नेम? माई नेम इज शीला। क्या नाम है? माई नेम इज शीला। चलो ठीक है, माई नेम इज गुरदीप सिंह, शीला मत बोलते ना सच में, तुमने तो नहीं लिख लिया शीला? माई नेम इज शीला। तो देखो नाचने भी लग गए एक दो तो। चलो देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा देखो ये वाले जो क्वेश्चन है ना आगे पीछे हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि दूसरे नंबर ही पूछेंगे। मैं नंबर हटा ही देता हूँ, तुम ये ना सोचो कि वेट करते रहो कि सेकंड क्वेश्चन भी यही आएगा, ऐसा नहीं होता, ज़रूरी आगे पीछे हो सकता है, मैं नंबर नहीं डालता। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है तुम्हारी जगह के बारे में कि वेयर डू यू लिव, इसका क्या मतलब है बताना तुम्हें? इसका तो मतलब था तुम्हारा नाम क्या है, मेरा नाम गुरदीप सिंह है। अगर कोई नया है, बिल्कुल ही
शुरुआत कर रहा है इंग्लिश और तो उसको इतनी नॉलेज नहीं, तो साइड में मैं जब जब बोलूँगा ना हिंदी में तो साइड पर लिख ले अपने कागज़ पर या नोटबुक पर, तुम समझ जाते हो मुझे पता है। बट जो वो नया पर्सन है बिल्कुल देख रहा है, अगर तुम्हें भी कोई नई बात लग रही है तो जब हिंदी में बोलूँ तो साइड पर लिख लो कि इसका ये मतलब है। और एक तो इसका आंसर कोई बोलेगा क्या हो सकता है, आई लिव इन पंजाब ले लेते हैं, मैं मेंशन नहीं कर रहा अपनी सिटी कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए, उसकी लोकेशन गुरदीप सिंह की। यहाँ पर सिटी लिखना है तो मत बोल देना पंजाब, ठीक है, या ऐसे कर देते हैं मैं डैश छोड़ देता हूँ, आई लिव इन डैश, डैश में तुम्हें प्लेस का नाम देना है अपनी जहाँ रहते हो तुम पक्का, ठीक है। तुम लुधियाना में रहते हो तो आई लिव इन लुधियाना, अमृतसर में रहते हो तो आई लिव इन क्या, अगर तुम लुधियाना में रहते हो तो आई लिव इन लुधियाना, अमृतसर तो नहीं बोलोगे, अगर अमृतसर में रहते हो तो आई लिव इन अमृतसर, चंडीगढ़ तो चंडीगढ़। पर देखो ज़रा कई बार ज़रूरी नहीं इसी तरह से तुम्हारी जगह के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए, कई बार ऐसे भी तो कोई पूछ सकता था वेयर आर यू फ्रॉम, ये सुनना है ना तुमने क्वेश्चन, तो सर हम कैसे जवाब दें, तुम ये भी दो तो चलेगा पर कोशिश करो जैसा सवाल है वैसा ही जवाब दो, क्या बोला, जैसा सवाल उसी तरह ही जवाब दो। तुमने उसने बोला वेयर आर यू फ्रॉम, तो तुम भी फ्रॉम वर्ड लगाने की कोशिश करो तुम्हारे आंसर में, तो तुम बोलो आई एम फ्रॉम डैश जो भी जगह का नाम है प्लेस, चलो मैं अमृतसर दे रहता हूँ इस बार, अमृतसर, ये बदल सकती है जगह तुम्हारे अपने पर डिपेंड करता है। तो तुमने कुछ नोटिस किया, ये भी प्लेस का क्वेश्चन एक ही पूछेंगे, दोनों नहीं पूछेंगे, पर मैंने ये इसलिए बताया तुम्हें एक चीज़ सिखाने के लिए कि जब तुम्हें कोई क्वेश्चन पुट करता है तुम भी जैसा सवाल किया उसको ध्यान से सुनना है, ये भी एक पॉइंट माइंड में रखने वाली चीज़ है, एक रूल माइंड में रखना है जब भी इंटरव्यू दे रहे हो या किसी से भी बात कर रहे हो, इंटरव्यू कम्युनिकेशन ही है, मतलब वार्तालाप कर रहे हो किसी से, तो जब किसी से वार्तालाप कर रहे हो हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए, क्या बोला, क्या बोला, ध्यान से बोलना चाहिए, सुनना चाहिए, हाँ सुन रहे हो, लिसन केयरफुली जब किसी से स्पेशली इंटरव्यू दे रहे हो, क्योंकि तो देखो किसके साथ मज़ा आएगा अगर तुम मुझे कुछ बोल रहे हो और मैं हूँ करी जाऊँ और कुछ और ही करी जा रहा हूँ, मैं फ़ोन चला रहा हूँ और तुम मुझे बात बोल रहे हो मैं कुछ और ही करी जा रहा हूँ, और जो मैं तुम मुझे कोई बात बोल रहे हो बिल्कुल ध्यान से सुनो, अच्छा ऐसा हुआ क्या, किसके साथ मज़ा आएगा, पहले वाले कि दूसरे वाले के साथ, दूसरे वाले, क्यों ध्यान से सुन रहा है, क्योंकि किसी को अच्छा नहीं लगता कोई हमारी बात ना ध्यान से सुने, तो जब कोई क्वेश्चन पुट कर रहा है उसका ध्यान से क्वेश्चन सुनना है, कि क्या करते हैं क्वेश्चन सुनते ही नहीं ध्यान से, पहले से मन में सोच रहे होते हैं ये वाला आंसर है, पहले से मन में बनाने लग जाते हैं कोई अपनी बात कि मैं क्या बोलूँगा आगे, सुन लो पहले उसको, सिर्फ इंटरव्यू में नहीं किसी के साथ बात भी कर रहे हो, गुड लिसनर सबको अच्छे लगते हैं, गुड लिसनर पता ना अच्छे से सुनने वाले, बोल अच्छे से हर कोई लेता है, सबको बोलने का शौक है, मैं सामने वाला कुछ बोल रहा है सुनते हुए नहीं किसी उसकी, तुम पता क्या सोच रहे मन में, जैसे ही चुप करेगा ना मैं ये वाली बात बोलूँगा इसके चुप होते ही, तो अपने इधर रेडी कर रहे हो, वो तुम्हें अपना बर्गर दे रहा तो बर्गर नहीं खा रहे हो उसका, बोला जैसे चुप होगा इसके मुँह में अपना बर्गर दे दूंगा, अपना बर्गर रेडी यहाँ कर रहे हो ठीक है, तो अपनी ही कहानी रच रहे हो उसकी सुन नहीं रहे हो, तो गुड लिसनर भी बनना है जब इंटरव्यू दे रहे हो, ठीक है। हाँ एक और मैंने अभी पॉइंट बोला था फ़ोन का, ये भी मैंने रूल नहीं बोला लिख लो, जब वहाँ पर ना इंटरव्यू दे रहे हो तो ध्यान रखना फ़ोन फोन मत चलाने लग जाना है, चलाते नहीं इतना तो मैं आइडिया है, बट फिर भी ट्राई करना तुम्हारा जो फ़ोन है साइलेंट पे हो या एटलीस्ट वाइब्रेशन पे हो, कि ऐसा ना हो कोई इमरजेंसी फ़ोन आ जाए, ठीक है, तो उसके सामने फ़ोन मत चलाने लग जाना, हाँ जी हाँ जी, कभी अच्छा नहीं लगे, बैठ बोलेगा मैं इधर क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ ये अपना ही लगा हुआ है, तो क्या बोला ये भी लिख लेना, बोले रूल्स में अपने डोंट यूज़ फ़ोन या ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट मत हो जब कोई सामने वाला बात कर, हमेशा उसके साथ आंखों से आंखें मिलाकर बात करो, क्या बोला मैंने, हाँ आके गुलाबी आके वो वाला डी, ठीक है, और रूल्स में लिख लेना, मैंने लिखा ना भूल गया पहले, आई कॉन्टैक्ट ज़रूर मेंशन करना, लिख लो तुम जो रूल्स लिखे थे पहले, आँखों से कॉन्टैक्ट ज़रूर करना है, और जब बैठते हो ना हमेशा एक बीच में टेबल तो होता ही है, सामने मैं इंटरव्यूअर हूँ, ये देखो मैं इंटरव्यूअर हूँ, गुरदीप सिंह इंटरव्यू ही है, तो बीच में एक टेबल होगा, तुम बैठोगे तो ध्यान रखना, पता नहीं तुम देख पा रहे हो कि नहीं कैमरे में,
हाथ को आगे मत रखना, ऐसे हमेशा नीचे रख लेना पैरों पर। देखो कैसे, ऐसे रख सकते हो दो पैर, मतलब पैरों पर ये रख के एल्बोस ऐसे रख लो, जैसे सीधे अपने दोनों थाइस पर, पट्टों पर ऐसे रख दो, पर टेबल पर मत ऐसे घुमाने लग जाना अपना। हे, तुम उसकी जगह पर गए हो, घर पे नहीं आया है तुम्हारे, ठीक है, कैजुअल मत ज़्यादा हो जाना। हाँ, आगे जाके काम करोगे वहाँ पर, थोड़ा अगर तुम्हारा है फ्रेंडलीनेस तो थोड़ा कर सकते हो हाथ रखो, बट वो तुमसे अभी, तुम बच्चे हो, तुम वो तो हो नहीं कि बहुत बड़े मैनेजर हो, कहीं पर काम किया है, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है 10-20 साल का तुम्हारे पास, तुम तो अभी पहली बार जा रहे हो, तुम बिगिनर्स हो अभी। हाँ, अगर तो तुम वहाँ खरीदने जा रहे हो कंपनी, फिर लाइक बात है, फिर तो पैर ऊपर रख के बैठ जो चलेगा, तो कंपनी नहीं खरीदने जा रहे हो, अपनी जगह बनाने जा रहे हो, तो पैर तो अपने सीधे रखना, ऐसे नहीं हो जाना। हाँ जी, माई नेम इज़ गुरदीप सिंह, ज़्यादा स्टाइलिश मत हो रहे लाइक जाना, ज़्यादा कूल मत बनना। ऑफिस बैग अपनी क्या रखनी है, टेढ़ी की सीधी, सीधी रखनी है। आँखों को क्या इधर उधर घुमाना है, डिस्ट्रैक्ट करना है कि सामने देखना है, और कानों को बंद कर लेना है कि खुला रखना है, खुला रखना है, जैसे सुनोगे उसके हिसाब से आंसर देना है। पॉइंट समझ आया, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, फ़ोन नहीं चलाना है, हाथों को टेबल पर मत नहीं रखना है, बैक स्ट्रेट, मतलब पोस्चर अपना सही रखना है, सही तरीके से बैठना है। लिखो, हाँ, करी जा रहे हो, लिखो। फ़ोन नहीं चलाना, डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए आँखों से आँखें, इतना भी नहीं कि उसको घूरने लग जाओ जैसे ये वंश करता है, कई बार ये घूरने लग जाता है उसको, पर्सन को मैंने बोला इतना घूरने भी नहीं लग जाना उसको हर बात चीज़ पर, मगर जब तुम्हारे साथ बात कर रहा है ना तो क्या आई कॉन्टैक्ट बनाना उसके साथ, कॉन्फिडेंस लगता है। सोचो तुम इंटरव्यू के देने गए और तुम इधर उधर देखे जा रहे हैं, माई नेम इज गुरदीप सिंह, तो वह रखेगा कि जो कॉन्फिडेंसली ऐसे बात कर रहा है, माई नेम इज़ गुरदीप सिंह, कौन किसको रखेगा जो कॉन्फिडेंटली बात कर रहा है, जो किसे पता लगेगा कॉन्फिडेंस किस में ज़्यादा, जो इधर उधर देख रहा है डर डर के, जो सामने सामने से देख रहा है, सामने सामने देख, ऑब्वियस है जिसमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा है वो आँखें से आँखें मिला के बात करेगा। कॉन्फिडेंस दिख जाता है तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से, तुम्हारे मुँह से नहीं क्या बोल रहे हो कितनी अच्छी इंग्लिश बोल रहे हो, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से, कैसे तुम खड़े हो या बैठे हो, कैसे तुम बात कर सॉरी आई कॉन्टैक्ट बना रहे हो, तुम कैसे तुम्हारी आँखें से मिली हैं, इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस पता लगता है। ऐसे सोचो मैं इंग्लिश बहुत अच्छी बोल रहा हूँ, ऐसे ऐसे हिल ही जा रहा हूँ ऐसे मेरे देखे ये लोग ऐसे, माई नेम इज़ गुरदीप सिंह, इंग्लिश बहुत अच्छी बोल रहा हूँ ऐसे सही है कि माई नेम इज़ गुरदीप सिंह, बिल्कुल बॉडी स्ट्रेट है, कैसा सही है, बॉडी सही है, मतलब पर्सनैलिटी पता लग जाती है मेरी, पर्सनैलिटी का ब्रेशन पढ़ना चाहिए तुम्हारी। यहाँ पर वापस आते हैं, मैंने ये दो चीज़ें क्वेश्चन सेम लिखे, मतलब सेम चीज़ के बारे में पूछा, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ से हो, दोनों ही प्लेस की जानने की कोशिश करो, बट मैंने ऐसा क्यों किया सोचो, क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता था कि जैसा सवाल है वैसा जवाब है। यहाँ पूछा था कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, आई लिव इन अमृतसर, ये वाला यहाँ मत दे देना और ये वाला यहाँ मत दे देना, सुनना। जैसे मैंने पूछा हु आर यू, तो वहाँ पर क्या बोलते, आई एम सिंह, वट इज़ योर नेम, समझ आया पैटर्न मैच कर रहा है दोनों का, रलता मिलता है, मिलता जुलता है, समझ गए तुम। चलो प्लेस हो गया, अब तुम्हारी उम्र भी पूछ सकता है, तुम्हारी कितनी उम्र है गुरदीप सिंह? हाँ जी 19, तेरे को नहीं पूछा उसको पूछा, तो देखो ज़रा ये क्वेश्चन लिख लिए थे कि नहीं, ये क्वेश्चन लिख लिए था ना, ठीक है। अच्छा अभी तुम्हारी एज के लिए क्वेश्चन है, वट इज़ योअर एज, इसको भी दो तरीके से पूछते हैं कई बार, एक और तरीका होता है हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, तुम दो तरीके से अब जवाब दे सकते हो। आई एम 19 ईयर्स ओल्ड, गुरदीप सिंह बोला, आई एम सर, मैंने पूछा वट इज़ योर एज गुरदीप सिंह, तो मैंने बोला सर आई एम 19 ईयर्स ओल्ड, या दूसरा आंसर माई एज इज़ 19 ईयर्स ओल्ड, कौन सा आंसर दूँ, माई एज वाला या आई एम 19 ईयर्स ओल्ड वाला, माई एज वाला क्यों दिया, समझ आया, रलता मिलता पैटर्न सेम है। अगर पूछता हाउ ओल्ड आर यू क्या देते, आई एम 19 ईयर ओल्ड या माई एज, हाँ अगर पूछता हाउ ओल्ड आर यू तो कौन सा आंसर देते, आई एम 19 ईयर्स ओल्ड या माई एज इज 19, हाँ आई एम 19 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि सवाल वैसा था। अब नहीं मैं ज़्यादा तुम्हें उस चीज़ पर टोकूंगा, तो समझ गए होगे माई एज इज़ 9। अलग अलग तरीके से एक चीज़ को पूछा जा सकता है, तुम्हें पता होना चाहिए कैसे,
कई बार हाउ ओल्ड आर यू भी पूछ लेते हैं, व्हाट इज़ योर एज भी पूछ लेते हैं। तो माई एज इज 19 ईयर्स ओल्ड। गर्मी ज़्यादा हो गई है, तुम दोपहर को बाहर मत निकलना, जल्दी चल जाना। कल मैसेज भी आया था, मैंने बताया भी तेरे को, मुझे कल मैसेज आया गवर्नमेंट की तरफ से, जो उनका होता है म्यूनसिपल SDM है, वहाँ से आया तो बोले अभी नहीं रोटी बाद में। तो मैसेज आया कि हीट वेव चल रही, हीट वेव मतलब लहर चल रही है गर्मी की बाहर, रातें भी गर्म हो गई हैं, तो दोपहर को तो बाहर मत ही निकलो, ऐसा मैसेज आया। तुम्हें पता नहीं आया कि नहीं आया? दोपहर को बाहर मत निकलो, अगर निकल जब निकलते हुए सुबह या शाम को कपड़े कुपड़ा बांध के ऐसे निकलो, बहुत गर्मी है, लोग बीमार हो रहे हैं, टाइफाइड भी हो गया कहीं, इतनी गर्मी। चलो, व्हाट इज़ योर एज हो गया, माई एज। अब तुम्हारी फैमिली के बारे में पूछ सकते हो, टेल मी समथिंग अबाउट योर, किसके बारे में, तुम्हारे की फैमिली, फैमिली। तो मैंने क्वेश्चन पुट किया, गुरदीप सिंह, गुरदीप सिंह, यस सर, बोलो, टेल मी समथिंग अबाउट योर योर फैमिली। कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं, कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि हाउ मैनी मेम्बर्स आर देयर इन योर फैमिली, मतलब कितने मेंबर है तुम्हारी फैमिली में। टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली। मैं इसलिए बार बार ऐसे अलग अलग तरीके से बोल रहा हूँ तुम्हें पकाने के लिए, नहीं कि तुम यही रट्टा ना मार के चले जाओ, तुम वेट करते रहो, टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली तो आया ही नहीं सर क्वेश्चन, क्योंकि उसने दूसरे तरीके से पूछा होगा, उसने पूछा होगा हाउ मैनी मेम्बर्स आर देयर इन योर फैमिली, मतलब कितने मेम्बर है तुम्हारे, दोनों में सिमिलर आंसर ही देना है। इसमें तुम बोल सकते हो पहले तो कि कौन सी फैमिली से तुम बिलोंग करते हो, न्यूट्रल, न्यूक्लियर होता है कि न्यूट्रल, वैसे को पता है मुझे माइंड में नहीं, न्यूक्लियर या न्यूट्रल, मेरे ख्याल से न्यूक्लियर वर्ड होता है। दो तरह की फैमिलीज होती है पता ना, एक छोटी वाली मम्मी पापा भाई बहन, एक बड़ी चाचा मामा ताया सारे, बड़ी वाली पता है ना। तो तुम कौन सी फैमिली से हो, बड़ी की छोटी, तुम छोटे, तो तुम बोल दो। तो हमेशा ट्राई भी करो जब तुम किसी को आंसर दे रहे हो ना, सर मैम ज़रूर बोलो उसको स्टार्टिंग में। क्या बोला मैंने, पूछा व्हाट इज़ योर एज, सर माई एज इज़ 1900। हर बार मत बोलो, दो तीन क्वेश्चन छोड़ के तुम्हारी फैमिली के बारे में बताओ, तुम बोलो सर मैं एक न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो तुम देखा स्टार्टिंग में क्या किया, सर लगा दिया उसको, मतलब मेंशन भी करो कि जिससे तुम बात करो, पता लगना चाहिए हाँ मुझे टाइम अटेंशन दे रहा है पर्सन। सर कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हो, छोटी वाली को क्या बोलते हैं, अब मैं श्योर नहीं हूँ, मैंने ये वर्ड काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं किया, एक न्यूक्लियर होता है या न्यूट्रल होता है, दोनों में से एक वर्ड यूज़ करते हैं छोटी फैमिली के लिए, न्यूक्लियर हम मान के चलते हैं न्यूक्लियर होता है। अगर कोई गलत होगा मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा वीडियो के, ठीक है, और तुम्हें तो वैसे ही बता दूंगा, न्यूक्लियर भी हो सकता है या न्यूट्रल बोलते हैं, मैं श्योर नहीं हूँ इस टाइम, न्यूट्रल या न्यूक्लियर उसको बोलते हैं जब छोटी फैमिली हो, मम्मी पापा भाई बहन, ज़्यादा बड़ी नहीं, न्यूक्लियर फैमिली। अगर सही होगा तो फिर मैं बोलूँगा ही नहीं कुछ, ठीक है। अगर बड़ी है तो तुम बोल देते जॉइंट, अगर लिख लो, अगर तुम्हारी कल को फैमिली बड़ी हो जाए, बड़ी वाली, बड़ी फैमिली, बहुत बड़ी मतलब चाचा मामा सारे एक साथ रहते हैं, उनका भी परिवार होते हैं ना, बड़े पापा छोटे पापा, देखा है ऐसे घर होते हैं, दादू दादू एक दो दादू, दो तीन दादू रह रहे हैं, बड़े दादू छोटे दादू ऐसे, उनको जॉइंट फैमिली बोलते हैं, जॉइंट फैमिली अगर वो हो तो। अच्छा तुम्हारी फैमिली में कितने मेंबर हैं, चार, तो तुम बोलो देयर आर फोर मेंबर। इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि जो देख रहा है जो तुम्हारा अलग होगा ना उसका चार है, तुम्हारा ज़रूरत नहीं चार होगा, जहाँ अंडरलाइन है मतलब वहाँ इन्फॉर्मेशन चेंज होगी। देयर आर फोर मेंबर्स इन किसकी फैमिली, तुम्हारी कि मेरी, तुम्हारी नहीं मेरी, मैं इंटरव्यूअर को थोड़ी बोलूँगा तुम्हारी फैमिली में इतने मेंबर हैं, मैं तो अपना बता रहा हूँ, समझ आया, मैं एक न्यूक्लियर फैमिली से वास्ता रखता हूँ, उसका ये मतलब है पहली लाइन का, आई बिलोंग टू ए न्यूक्लियर फैमिली, मतलब छोटी वाली है, पता लग गया छोटा वाला होगा, छोटा पैकेज। फिर मैंने बोला देयर आर फोर मेंबर्स इन माई फैमिली, मतलब चार सदस्य हैं मेरे परिवार में, तुम चाहो तो हिंदी पंजाबी में जैसे अच्छा लगता लिख लो, मगर पहली बार देखा ये चीज़ को,
कई बार ऐसे पूछ लेते हैं हाउ मैनी मेम्बर्स आर देयर इन योर फैमिली, तो सीधा ये आंसर दे देना देयर आर 4 मेम्बर्स इन माई फैमिली, सीधा पूछ सकता है ना कि कितने सदस्य हैं तुम्हारे परिवार में। अब समझ आया इतना, फैमिली हो गया। हाँ जी, कई बार ये भी तो पूछ सकता है तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में बताओ, क्या बोला मैंने तुम्हारे किसके बारे में, पेरेंट्स के बारे में, टेल मी समथिंग अबाउट योर पेरेंट्स। या फिर ऐसे भी पूछ सकता हूँ कि तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, व्हाट इज़ योर पेरेंट्स नेम, व्हाट इज़ योर सॉरी व्हाट इज योर फादर नेम, व्हाट इज़ योर मदर नेम, तो इसी में सारे आंसर मिल जाएंगे तुम्हें उसके। मैं इरेज कर रहा हूँ, तुमने लिखा था ये नीचे वाला, देख लो ज़रा। इसका मतलब है कि अब मैं तुम्हारे पेरेंट्स स्पेसिफिकली उनके बारे में पूछ रहा हूँ, मम्मी पापा के बारे में। ये कभी कभार पूछते हैं, हर बार उनको नहीं, मेरे को नहीं पूछा था इतना, बाद में बात हुई थी पर स्टार्टिंग में इंटरव्यू में मैंने भी अभी पूछा। तो अगर तुम्हें पूछे कि तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में बताओ, तो पहले तुम या तो फादर जो भी मदर, पहले एक को चुन लो, बोल दो कि माई फादर्स नेम इज, मतलब मेरे पिताजी का नाम क्या है, तुम्हारा क्या है मैं, हाँ जी तुम्हारे पिताजी का नाम जसपाल सिंह। मैं इसको अंडरलाइन कर दूंगा ताकि जो देख रहा है या तुम बाकी जो बच्चे हैं वो उसको चेंज कर ले अपने हिसाब से। यहाँ पर अपने देना है उसका मत देना, उसके पापा को अपना पापा मत बना लेना, तुम चेंज कर देना ठीक है। क्या करते हैं वो बेटा, क्या करते हैं, फ़ौरन में क्या वहाँ, क्या क्या करते हैं वहाँ, कुछ फोर फोर मैन मतलब, अच्छा तुम्हारा लेकिन तुम्हारे पापा क्या करते हैं, हाँ टैक्सी ड्राइवर है, चलो इसका ले देता हूँ, मुझे पता नहीं फोरमैन क्या होता है, मुझे बाद में बताना, मैंने फर्स्ट टाइम सुना। फौज में है फोरमैन है, ये फर्स्ट टाइम सुना है। चलो मैं इसका ले, नाम इसके पापा का, काम इसके पापा का, तो मैं बोलूँगा मेरे पिताजी का नाम जसपाल सिंह है और वो क्या है, एक टैक्सी ड्राइवर, तो बोलो ही इज़ अ टैक्सी ड्राइवर। जो भी तुम्हारे पापा की काम जॉब है, जो भी उनके जॉब का रोल है उसको लिख दो यहाँ। अगर तुम्हारे पापा इंजीनियर है तो बोलो माई फादर इज ही इज़ ए इंजीनियर, मेरे पापा डॉक्टर है, ही इज़ ए क्या नर्स, ही इज़ ए डॉक्टर। इसको भी अंडरलाइन कर देता हूँ, जहाँ अंडरलाइन लगा मतलब चेंज होगा तुम्हारे अपने हिसाब से पर्सनली जो है। पापा का हो गया, मम्मी को थोड़ी छोड़ेंगे अब। फिर मम्मी का भी बोला माय मदर्स नेम क्या है, कुलदीप सिंह, नाम क्या है इंद्र बाला, पूनम बाला, चलो ठीक है पूनम बाला। फिर वो क्या है, हाउसवाइफ है, चलो तो लिख देते हैं शी इज़ अ हाउसवाइफ। जो भी वो काम करती है, अगर काम नहीं करती घर पर मतलब घर बार देखते हैं, घर का ध्यान देखते हैं तो हाउस वाइफ बोल दो, घर संभालते हैं तो शी इज़ द, ऐसे भी बोल सकते हो घर की मालकिन है, शी इज़ द बॉस ऑफ माई हाउस, ठीक है। कई बार ऐसे नहीं पूछ सकते, डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, हाँ तुम क्या इशारे कर रहे हो, अच्छा कई बार सीधा जरूरी नहीं कि मम्मी और पापा एक साथ पूछेंगे, मतलब तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में, मतलब ऐसे भी तो पूछ सकते थे टेल मी समथिंग अबाउट योर फादर, व्हाट इज़ योर फादर नेम, तो सीधा फिर उसके बारे में आंसर दे देना, इसके बारे में पूछा है फिर उसके बारे में बोल रहा है। मम्मी का पूछते तो फिर मम्मी का ये अलग से दे रहते, ये वाला समझ आया, इसी में हो गया, अलग अलग भी पूछा तो अलग अलग आंसर दे दो। फादर का नाम क्या करते हैं, व्हाट डस ही डू, ही इज़ अ टैक्सी ड्राइवर। व्हाट इज़ योर मदर नेम, माई मदर्स नेम इज़ पूनम बाला। व्हाट डस शी डू, वो क्या करती है, शी इज़ अ हाउसवाइफ, ठीक है। फैमिली हो गया, जगह हो गई, एज हो गई, हम मेन मुद्दे पर आते हैं। ये जो अभी क्वेश्चन कराए, नाम तो पूछते ही पूछते हैं, पता भी पूछते हैं, उम्र कभी कभार और मम्मी पापा का कभी कभार, फैमिली का डिपेंड करता है उस पर्सन पर। पर जो अभी क्वेश्चन करवाऊंगा ये पक्का पूछेगा, गारंटेड है, हमेशा इंटरव्यू जॉब के लिए देने जा रहे हो। क्यों, जो अगला क्वेश्चन है एडुकेशन, तुम्हारी क्वालिफिकेशन, वो तो पूछेगा ही ऑब्वियसली, तुम्हें काम पर रख रहा है, मैं ये पता करके रखूँगा ना तुम्हें क्या आता है क्या नहीं आता है।
अच्छा तुमने बोला मेरी मम्मी का नाम ये, पापा का नाम है, मेरे ख्याल अच्छा बड़ा अच्छा नाम है, चलो आ जाओ काम कर लो। ये तो नहीं बोलूँगा, ये मेरे काम की इतनी चीज़ नहीं है, मेरे काम की ये चीज़ है कि तुम्हें क्या आता है, तुम कितनी एडुकेटेड हो, तुम्हें कौन कौन सी स्किल है, वो मेरे काम की है, इसलिए वो तो मैं पूछूंगा ही पूछूंगा। तो देखो क्वेश्चन, मैं ये रेज कर रहा हूँ, तुम्हारी क्वालिफिकेशन, तुम्हारी एडुकेशन के बारे में क्वेश्चन आएगा, मस्ट है, तुम्हें आगे जाके देना ही पड़ेगा, जाओ कहीं ना कहीं जबरदस्ती चले जाओ, अगर तुम कहीं भी देना ही पड़ता है, रिश्तेदार पूछ लेते हैं आजकल तो इंग्लिश में, वो भी इंग्लिश में जवाब दो ना, इंग्लिश पढ़ते हो, क्या करते हो, क्या क्वालिफिकेशन है, लड़की वाली पूछ लेंगे तुम्हें वो तो पूछेंगे ही पूछेंगे, लड़के जब भी लड़कों की बात होती है ना, तुम बड़े हो गए ना 18-20 साल के, हमेशा याद रखना दो चीज़ें हमेशा उसके बारे में पूछी जाती है, क्या करता है और क्या कमाता है, कितना कमाता है, हमेशा कोई दूसरे बात कर रहे ना, हमेशा लड़के के बारे में दो क्वेश्चन हमेशा पूछेंगे, रिश्तेदार तो करते ही करते हैं, लड़का क्या करता है और लड़का कितना कमाता है, ये क्वेश्चन हमेशा आदमी के बारे में तो पूछा ही जाता है, कितना पढ़ा लिखा वो भी पूछ लेते हैं, क्या करता है और कितना कमाता है, इसी के लिए तो हैं हम लड़के आदमी। चलो क्वेश्चन पूछ सकता तुम्हें, व्हाट इज़ योर एडुकेशन या व्हाट आर योर क्वालिफिकेशंस, मतलब क्या तुम्हारी काबिलियतें हैं, तुमने क्या क्या पढ़ाई की है, व्हाट आर योर क्वालिफिकेशन, दोनों में से एक चीज़ पूछ सकता है, क्वालिफिकेशन या एडुकेशन, तो समझ लेना दोनों ही सेम चीज़ है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, दोनों में अपनी पढ़ाई बतानी है तुम्हें अब, ठीक है। अंशु तुमने 12वीं कहाँ से की, 12वीं कर ली है ना, कहाँ से की, जी टी वी, 10वीं 12वीं का सेम ही आंसर होगा, मैं मान के चल रहा हूँ, 12वीं से स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला पहला चीज़, सर मैंने पूछा व्हाट आर योर क्वालिफिकेशंस, गुरदीप सिंह बोले, पहले हिंदी में बता रहा हूँ, सर मैंने 12वीं कंप्लीट कर ली है, 12वीं कंप्लीट की है जी टी वी कॉलेज से, कौन से साल में, 2023, ठीक है। तो ऐसे बोलो, सर लगाना तो लगा लेना आगे, सर मैडम जो भी है, आई हैव, देख लो ये बोलना पड़ता है तुम्हें, सर आई हैव, तुम्हारे तो मुँह ही उतर गए हैं, ऐसे इंटरव्यू कराओ, गर्मी का सर हो गया है, सर आई हैव कम्प्लीटेड, आगे क्या कम्प्लीट किया है, किंडरगार्टन, यूकेजी एलकेजी, हाँ 12, अगर तुम्हें सिंपल लिखना तो ऐसे बोल दो 12 प्लस 2, या इसके लिए बढ़िया बड़े कोर है, किसी को पता 12 को क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट पर कभी पढ़ा है स्टार्टिंग में, सीनियर सेकेंडरी, देख लो 12 को चाहे तो तुम ये भी बोल सकते हो, सीनियर सेकेंडरी एडुकेशन, तुम्हें बहुत ज़्यादा ही इंग्लिश माननी है तो वो भी मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा डीपली, तुम ये भी बोल सकते हो आई हैव कम्प्लीटेड सीनियर सेकेंडरी एडुकेशन, मतलब 12वीं को बोलते हैं, जैसे 10वीं को मैट्रिक बोलते हैं ना, 10वीं को क्या बोलते हैं, मैट्रिक, तो 12th को क्या बोलते हैं, सीनियर सेकेंडरी, अभी अपना सर्टिफिकेट उठाकर देख लेना 12वीं वाला, ऊपर लिखा होगा, आज जाके देखना 10वीं वाले पे लिखा होगा मैट्रिकुलेशन टॉपर, सबसे ऊपर तुम्हारा जो सर्टिफिकेट है स्कूल का, और 12वीं में लिखा होगा सीनियर सेकेंडरी एडुकेशन, तो दोनों में से एक चुन लो, मेरे हिसाब से तुम नए हो तो 12th ही बोलो, प्लस 2 बोल दो, कहाँ से की है, फ्रॉम वेयर, हाँ जी फ्रॉम वेयर, कहाँ से की है, जी टी वी कॉलेज, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ये बदलेगा जी टी वी कॉलेज, एक ध्यान रखना चीज़ का, कोमा जो तुम्हारा उस सिटी का नाम है वो भी लिख देना, मान लो मैंने चंडीगढ़ से की है, चंडीगढ़ में है, मैं बोल देता हूँ है कि नहीं है जी टी वी कॉलेज, चलो मान लेते हैं लुधियाना में है, तो मैंने बोला पता कैसे लगेगा अगर एक से ज़्यादा ब्रांच है कहाँ से की है, आई हैव कम्प्लीटेड 12th या सीनियर सेकेंडरी एडुकेशन दोनों में से एक फ्रॉम जी टी वी कॉलेज लुधियाना, अब कब किया था, अगर बताना है तो लिख दो कब किया था, 2022 या 23, भूल गया बात तेरे, अभी कौन से सेमेस्टर में हो, पहले में हो, 23 में किया होगा, इन लगा देना, टाइम से पहले हमेशा इन लगा देना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2023, ये चेंज होगा तुम्हारा जो दूसरे देख रहे हैं,
तुम्हारा भी चेंज हो जाएगा। तुमने 12वीं कहाँ से की थी? खालसा स्कूल। तो ये क्या बोलेगा, आई हैव कम्प्लीटेड 12th फ्रॉम खालसा स्कूल, जो जगह आ गई सिटी का नाम इन कब 2000। अच्छा ये किसी को बोलना आता है, कैसे बोलते हैं 2023 को? 2023 बोल तो नहीं बोलोगे, इंग्लिश में कैसे बोलोगे 2023। एक मेरा बच्चा था, उसने 2020 में किया था, मैंने उसको इंटरव्यू कराना सिखाया, तो वो बोला आई हैव कम्प्लीटेड माई सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, बड़े मज़े में इंग्लिश मार के पूरा मक्खन जैसे, तो फ्रॉम डैश जगह इन 2020। ये ठीक है? नहीं 2020 नहीं बोला, ये तो फिर भी ठीक था, कहता है डबल 20 जैसे बोला वो बचपे, उसका नहीं था, बोला आई हैव कम्प्लीटेड माई 12th फ्रॉम GDB कॉलेज लुधियाना इन डबल 20। मतलब वो बोलना चाहता था ये वाला 2020, तो ये सही होता क्या डबल 20? इसको बोलोगे जो पहले साल है उसको ऐसे बोलो 2020, इसको बोलोगे 2023, ऐसे बोलना है। पहले इस चीज़ को देखो, 2000 आता है ना, ये इसको बोलो पहले 2023, 2023 तो नहीं बोलोगे हिंदी में, वैसे ही इंग्लिश में भी नहीं बोलना, क्लियर? अच्छा उसके बाद कंप्यूटर कोर्स भी किया तुमने, कोई अगर क्वेश्चन सोच रहा है कि सर अगर मैंने कोई कंप्यूटर कोर्स भी किया है, ज़रूरी तो नहीं एक ही चीज़ की, मैंने कोई और कोर्स किया है इंस्टीट्यूट से, तो वो बोल सकता हूँ? हाँ ज़रूर बोलना, अगर कुछ भी काम की चीज़ की है ना तुमने, ज़रूर मेंशन करना, तुम्हारे काम आएगी वहाँ पर। ये लिख लिया तुमने? हाँ ठीक है। हाँ अगर तुम 10वीं वाले हो तो इसको काट कर 10th लिख दो, तुम बोलना चाहते हो मैंने 10th की है, 10th की जगह तो मैट्रिक बोल दो, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन मत बोलो, आई हैव कम्प्लीटेड 10th या मैट्रिक फ्रॉम डैश जगह इन डैश टाइम। पता चला? ये रेस कर रहा हूँ मैं, और दूसरी चीज़ पर आ रहा हूँ कि अगर तुमने कोई कोर्स किया, कौन सा कोर्स किया था तुमने? DCA मतलब बेसिक कि नहीं, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, राइट? तो वो बोलता है कि सर मैंने 12वीं ही नहीं की है, अभी रुको ज़रा, अगला क्वेश्चन मत पूछो, अभी मेरे पास और भी चीज़ें, अभी मेरे पत्ते खोले नहीं है मैंने अभी सारे अपने। तो वो बोला अभी सर मैंने 12वीं के बाद आफ्टर 12th, ऐसे बोल दो, ऐसे बोलोगे पता लग जाएगा किसके बाद क्या हुआ था, आफ्टर कंप्लीटिंग 12th मतलब 12वीं करने के बाद कंप्लीटिंग, ये सिंपल बोलो आफ्टर दैट, ऐसे भी बोल सकते हो कंप्लीटिंग 12th, कोमा लिखने के टाइम ऐसे कोमा लगेगा पर गैप दिखना चाहिए, बोलने के टाइम मत बोलना आफ्टर दैट या आफ्टर कंप्लीटिंग 12th। क्या किया था तुमने? आई ऑल्सो कंप्लीट, क्या किया तुमने, क्या कोर्स का नाम था? DCA, पूरा बोल देना वहाँ, क्या पता उसको नहीं पता होगा, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यहाँ पर भी बता देना अगर ज़रूरत है कहाँ से किया था और कब किया था। तो फ्रॉम डैश, फ्रॉम मतलब यहाँ से, वहाँ से, फ्रॉम का मतलब से, जगह का नाम इन टाइम, प्लेस टाइम, ये क्या हो गया, टाइम बिगड़ गया मेरा, इतना पता लगा। अब देखो तुम, ज़रूरी नहीं कि तुमने जो कंप्लीट कर लिया वो ही बताना है, तुम कुछ कर रहे हो वो भी बोल सकते हो। एग्जांपल के तौर पर अंशु को ही लेते हैं, गुरदीप सिंह को, वो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में उसने कंप्लीट कर लिया ना, मतलब अभी कॉलेज पढ़ाई कर रहा है, कौन सा कोर्स था? BSc IT, उसने कंप्लीट कर लिया क्या? नहीं किया, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि नहीं बता नहीं सकता, बता सकता है, फ़ायदा होगा। देखो ना तुमने 12वीं की है, मैंने भी 12वीं की है, पर मैं अभी जो BCA कर रहा हूँ उसमें 5वें सेमेस्टर में हूँ, मान लेते हैं मैं कॉलेज में अभी 5वें सेमेस्टर, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है, पर फ़ायदे में कौन है अगर मैं बता दूँ तो? मैं कि तुम? तुमने 12वीं की है उसके बाद कुछ नहीं किया है, मैंने भी 12वीं की है बट मैंने 5 सेमेस्टर कर लिए हैं कॉलेज में, चल रहा है अभी भी, तो अगर मैं बता दूँ मेरा फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा? फ़ायदा होगा, एक्स्ट्रा चीज़ बताई ना। तो अगर तुम भी बताना चाहते हो जो ऑलरेडी कर रहे हो, जो कर रहे हो, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, तो लिख लो ये देखो, तुम बोलो हम मान के चलते हैं अंशु बोलना चाहता है मैं सर अभी
जो BSc IT है वो अभी कर रहा हूँ, तो ऐसे लिख दो वो करने लिखने। दो आंसर बता दिए तुमने, आई हैव कम्प्लीटेड 12th, आई हैव कम्प्लीटेड डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसके बाद अगर मैं कर रहा हूँ BSc IT, तो इधर देख लो आए नींद आ गई तुम लोग, तुम्हारी भी गलती नहीं है। कल पर इंटरव्यू जब लूँगा ना तब देखता हूँ किसको रीत आएगी, कल तुम मुझे मत आने देना, कर दूँगा थोड़ी देर में खत्म, ठीक है? मुझे पता गर्मी भी है, इधर देख लो सर। 12th हो गई थी, DCA हो गया डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, अब होगा नहीं, अभी हो रहा है उसका BSc IT। तो बोलना चाहता है सर मैं अभी अपनी BSc IT भी कर रहा हूँ इंटरव्यूअर को, तो वो कैसे इंग्लिश में ऐसे बोल सकता है, आई एम परसुइंग मतलब कर रहा है, परसुइंग भी बोल सकते हो, डूइंग भी बोल सकते हो, क्या कोर्स था? BSc IT ऐसे ही लिखते हैं, देख लो, ठीक है। फिर वही सेम चीज़ फ्रॉम डैश जगह एंड डैश, बस इतना ही यहाँ स्टार्टिंग में लिखना, तो ये लिख लो राइट नाउ से पता लग जाएगा कि अभी कर रहा है। राइट नाउ आई एम परसुइंग या डूइंग BSc IT फ्रॉम डैश जगह, जो भी तुम्हारे कॉलेज के नाम है यूनिवर्सिटी का। ये भी बोल सकते कौन से सेमेस्टर में हूँ अगर पूछ लिया तो बोलो आई एम इन डैश सेमेस्टर। मान लो मैंने बोला मैं सेकंड में हूँ, मैं बोलूँगा आई एम इन सेकंड सेमेस्टर, साथ में बता दिया ना, उसको कैसे पता कोर्स में कहाँ पहुँचे हो तुम, क्वालिफिकेशन हो गया इतना ही था। किसी को कोई डाउट है वो मुझे YouTube में कमेंट में पूछ सकता है जो देख रहा है, ठीक है? कोई पूछेगा कि ऐसे होता तो क्या होता, वैसे होता तो क्या होता। अब मेन मुद्दा, इसका तुम्हारे सैलरी पर बहुत फ़र्क पड़ेगा, ये देख लो ये चीज़ का, इसका तो पड़ेगा ही, इसका काफ़ी पड़ेगा, बस मैं बता रहा हूँ एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि एक्सपीरियंस से तुम्हारे सैलरी पैकेज पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी चांसेस है कि तुम्हारे काम में ज़्यादा सैलरी किस चीज़ से होगी वो एक्सपीरियंस से होगी, ऐसा हो सकता है। तो देखो ज़रा क्वालिफिकेशन पता लग गया, एडुकेशन कैसे आंसर देने। अब सामने वाले पूछेगा कि भाई तुझे पढ़ाई तो बहुत कर ली पर तुझे कोई काम का एक्सपीरियंस भी है, तजुर्बा भी है क्या? मैंने से पूछा डू यू हैव एनी जॉब एक्सपीरियंस। तो मैं लिख रहा हूँ यार क्वेश्चन, मतलब क्या है इसका अंशु, हाँ डू यू हैव एनी जॉब एक्सपीरियंस का मतलब, ओ नहीं ने पूछा है पहले जवाब देने लगे, मतलब क्या है इसका, डू यू हैव एनी जॉब एक्सपीरियंस, इसको भी थोड़ा घुमा फिरा कर भी बोल सकता है कि आपने कहीं का पहले काम किया है, हैव यू वर्क समवेयर एल्स बिफोर, ऐसे भी पूछ सकता है, हैव यू वर्क समवेयर एल्स बिफोर, इसकी जगह ऐसे भी पूछ सकता है कि कहीं पर आपने पहले काम किया है। दो तरीके हैं, क्या आपने कहीं पहले काम किया है या आपके पास कोई जॉब एक्सपीरियंस है कि नहीं, दोनों का सेम ही आंसर होगा ऑलमोस्ट। तो पहले मान के चलते हैं तो फ्रेशर हो, जो कि हो सच है, जो ज़्यादातर वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है वो भी फ्रेशर ही हो, तो उनका पहले आंसर दे देता हूँ। अगर तुम्हें बोलना है कि मैं फ्रेशर हूँ, फ्रेशर पता नहीं क्या होता है, फ्रेशर कौन होता पता है? नहीं पता क्या फ्रेशर मतलब? जिसने कभी काम नहीं किया है, फ्रेश है, नया नया माल आया बाजार में जब सब्जी लेने जाते हो बिल्कुल ही नई नई है तो क्या बोलते हो, फ्रेश है, तुम भी तो वैसे ही हो, नया नया माल आया मार्केट में आज। तो मैं क्या हूँ, आई एम सर आई एम अ फ्रेशर, ऐसे भी लिख सकते हो, और अच्छा आंसर ऐसे भी लिख सकते हो, सर आई हैव नो जॉब एक्सपीरियंस, आई हैव नो जॉब एक्सपीरियंस, दोनों का मतलब एक ही है, मैं फ्रेशर हूँ नया हूँ इसका मतलब है मेरे पास कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं है। पर एक चीज़ करना हमेशा, मैं हमेशा ट्राई करता हूँ बताने के बच्चों को, जब तुम बोलो ना कि मैं फ्रेशर हूँ, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम्हारी कमज़ोरी है, जब तुम बोलते हो मैं नया हूँ एक तरह से कमज़ोरी बन जाती है तुम्हारी, तो तुम्हें इसको पॉजिटिव वे में बोलना है। तो तुम क्या बोलो, सर आई एम फ्रेशर बट आई एम ईगर टू लर्न, मतलब या ईगर की जगह लिख दो
आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू लर्न, मतलब क्या है इसका, किसको पता है? नहीं, इसका मतलब बेशक मैं सर फ्रेशर हूँ, मेरे पास कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, पर मैं सीखने के लिए हमेशा रेडी हूँ, मतलब मैं सीखने के लिए बहुत एक्साइटेड उत्साहित हूँ। हाँ, समझ आया? बेशक मैं नया आदमी हूँ पर मैं सीखने के लिए रेडी हूँ, मैं अडेप्ट कर लूँगा, मैं सीख लूँगा सर। जैसे तुमने बोला, मैंने तुम्हें पूछा कि बड़े काम हो पाएगा तुमसे, मुझे तो नहीं लगता तुमसे ना हो पाएगा, मम्मी पापा ने बोला चलो तुम्हें, तो बोला पापा बेशक मैंने ये काम पहले नहीं किया है पर मैं कर लूँगा, मैं सीख लूँगा। तो एक तो होगा पापा मैंने ये कभी पहले किया नहीं है, बोला बेटा ये काम कर लेगा, पापा मैंने ये कभी पहले किया नहीं है, एक ऐसे बोलेगा बच्चा। एक बोलेगा पापा वैसे मैंने किया नहीं है पहले पर मैं कर लूँगा पापा, मैं सीख लूँगा। कौन सा ज़्यादा अच्छा है, वो जो रोया रोया या एक्साइटेड है? एक्साइटेड है। ये फ्रेशर वालों के लिए, अभी मैं आता हूँ जिसके पास एक्सपीरियंस है। ये लिख लिए तुमने, तुम्हारे इतने कागज़ में आ जाएगा सर, ले लेना एक और, या तो विशाल के कागज़ के पीछे, हाँ है एक पेज, इसके पीछे कर लेना। चलो देखो इधर, ये हो गया, तुम्हारे पास कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, तुमने लिखा कि नहीं? यार देखो झूठ, शर्म झूठ, कहता लिख लिया मैंने, अभी लिख रहा है बैठ के। ये हो गया कि अगर तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है बट अगर है तो कैसे बोलोगे इंग्लिश में? बोलो, मुझे बोलो 2 साल से मैं अमेज़ोन में काम कर रहा हूँ या फ्लिपकार्ट कंपनी में काम कर रहा हूँ, बना दो ज़रा। हाँ आई हैव, ठीक बोला, इतनी भी कोशिश होते सही की, आई हैव। आगे 2 सिचुएशन हो सकती इसमें भी, एक हो सकता तुम छोड़ कर आ गए हो काम, वहाँ किया था, कर चुके हो काम। एक हो सकता तुम अभी भी काम कर रहे हो, वैसे भी जॉब देखने निकले हो। क्या बोला? 2 सिचुएशन हो सकती है जब तुम काम कर रहे हो, एक तो ये तो अलग चीज़ है प्रेशर, अगर तुम काम करते हो तुम्हारे पास जॉब एक्सपीरियंस है, 2 सिचुएशन हो सकती है, या तो तुम अभी भी वहीं काम कर रहे हो और एक अलग से अपना बैकअप अपनी जॉब ढूंढ रहे हो, या फिर तुमने छोड़ दिया काम करते थे। तो उसका बता देता हूँ मैं कैसे है। मान लो तुम 2 साल फ्लिपकार्ट में तुमने काम किया, फ्लिपकार्ट कंपनी पता है ना यहाँ पर है, फ्लिपकार्ट तो पता है ना जिसे सामान मंगाते हो, तो तुम बोलो सर मैंने ना फ्लिपकार्ट में 2 साल काम किया, तो कैसे बोलोगे? कैसे बोलोगे? आई हैव तो ठीक है, आगे काम करने को क्या बोलते हो? वर्क, इतना तो आता है तुम्हें, आई हैव वर्क, साथ में ईडी। कहाँ पर काम किया? फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट क्या है बड़ा, लिखते टाइम बोलते टाइम तो तुम्हें ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। फ्लिपकार्ट कितने? 2 साल, 4, 2 ईयर, ऐसे भी लिख सकते हो। देखो एक तरीका ये बोलने का मैंने 2 साल काम किया, एक तरीका ये भी है इस साल से लेके इस साल तक काम किया, 2020 से लेके 2022 तक काम किया, तो वो कैसे बोलोगे? ये तो हुआ ना 2 साल, ये अलग चीज़ है। एक ये तरीका तुम ऐसे बोलो फ्रॉम 2020 टू 2022, नहीं 2022 आया समझ, 2020 से लेके 2022 तक, यहाँ बोला 2 साल, दोनों में से एक देना है इसलिए स्लैश डाला है, स्लैश मतलब दोनों में से एक ऑप्शन है, तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम जैसा पसंद करोगे आंसर दे रहे, मैंने लिखा दिया। तुम बोलो सर ऐसे कैसे, ऐसे कैसे जवाब देंगे, तो इसका भी आंसर दे दिया, ऐसे कैसे देंगे तो इसका भी आंसर दे दिया मैंने। काम की चीज़ें देख लो, लिखो भी सर। तो ये तो हो गया, मैंने काम किया था, कर चुका हूँ वहाँ पर, मैंने इतने साल वहाँ काम किया या इस साल से लेके इस साल तक काम किया, बट बोलो मैं अभी भी वहाँ ही काम कर रहा हूँ 2 साल से, तो कैसे बोलोगे? ये था कर चुका हूँ, ये उसका आंसर है, पर किया सॉरी कर रहा हूँ अभी भी 2 साल से, 1 साल 2 साल 2 महीने तुम्हारे ऊपर है कौन सा टाइम है, टाइम बदलेगा, महीने भी बोल सकते हो, पर कर रहा हूँ, कर चुका नहीं, क्या बोला? हाँ कैसे बोलोगे? आई हैव, यहाँ तक ठीक है सर, भी सही तुक्का लगाया सर, कैसे पता लगेगा? ये बोलता है आंसर इंग्लिश में मैं कर चुका हूँ, ख़त्म, टाटा बाय बाय, पर अभी भी कर रहा हूँ कैसे बोलूँ?
तो देखो ज़रा कैसे सामने वाले को पता लगेगा। हाँ देख लो देख लो, आई हैव तक तो ठीक है, तुम वर्ड लगा देना आई हैव बीन वर्किंग। जब तुम्हें टेंस पढ़ाऊंगा ना, थोड़े हैं मैंने नहीं पढ़ाए अभी, वहाँ तुम समझ जाओगे। आई हैव बीन वर्किंग इन फ्लिपकार्ट। कंपनी का नाम अपना चेंज कर लेना, कंपनी नेम, जगह का नाम जहाँ पे भी काम किया। साइड आ जाता हूँ। आई हैव बीन वर्किंग इन फ्लिपकार्ट फॉर 2 ईयर। इसका क्या मतलब है, कर रहा हूँ 2 साल से या कर चुका हूँ? आई हैव वर्कड, कर चुका हूँ, लिख लेना ये है। अब इसको हटा देता हूँ, कर रहा हूँ इतने टाइम से, या फिर अगर तुमने बोलना होता मैं 2023 से 2024 तक कर रहा हूँ, सॉरी मैं बोलूँ मैं 2023 से कर रहा हूँ तो कैसे बोलता? हाँ ये फिर तुम इसको बदल देते ना, फ्रॉम 2023। 2 तो लगेगा ही नहीं क्योंकि कर रहा हूँ तो अभी तक चल ही रहा है ना, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। 2 कहाँ गाड़ी रुकी थी पिछली बार पता था, तो रुकी ही नहीं है अभी भी, अभी प्रेजेंट तक चल रही है। फ्रॉम 2023 इसका मतलब से मैं लिख देता हूँ 2023 से। तुम्हें जो आंसर अच्छा लगता है लिखना या बोलना अच्छा लगता है देख लो, यहाँ बोल दो 2020 बोल दिया मैंने, 2 सालों से, इसका ये मतलब है। 2 अच्छा लगता दोनों में से चुन लेना। आई हैव बीन वर्किंग मतलब कर रहा हूँ, आई हैव वर्क मतलब कर चुका हूँ। क्लियर हो गया एक्सपीरियंस। अब आते हैं तुम्हारी पर्सनैलिटी, ये बड़ा मज़ेदार है, जब भी बच्चे को बताता हूँ उनको बड़ा इंटरेस्ट होता है इसमें। पर्सनैलिटी पता क्या होती है, बोला भी था स्टार्टिंग में, तुम्हारा व्यक्तिगत, सबकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी है। तुम्हारी पर्सनैलिटी अपनी है, मेरी पर्सनैलिटी अपनी है, तुम्हारी अपनी एक चरित्र है, एक पर्सनैलिटी है। तुम्हारे बोलने का तरीका अलग है, चलने का तरीका अलग है, तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हारा एक अपना ही एक नेचर है पता ना। वो तुम्हें पूछेगा पर्सन, क्यों पूछेगा कि देखो ज़रा इधर, तुम मान लो नर्स की जॉब पे गए हो करने, नर्स का काम देखने गए हो, और तुम बोलो मेरी मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो रखूँगा क्या तुम्हें? या तुम बोलो मैं बड़ा शर्मीला हूँ, रखूँगा क्या? सेल्समैन की जॉब पे गए, सेल्समैन पता ना जो गली वहाँ पर जा जा के दिखाते हैं, देखो बड़ी बातों में बड़े तेज़ होते हैं, तो रखूँगा क्या तुम्हें वहाँ? नहीं। पर अगर लाइब्रेरियन की जॉब पे रख रहा हूँ जहाँ शांति चाहिए, वहाँ पर तुम्हारी पर्सनैलिटी के हिसाब से तुम्हें रख सकता हूँ। ये नहीं कि कोई गलत है तुम्हारा शर्मा कम बोलना, अगर तुम कम बोलने वाले हो। एक होता है बहुत ज़्यादा खुश मिजाज फ्रेंडली नेचर का, एक होता है कम दोस्त रखने वाला, 2-3 दोस्त होंगे बोलता वो भी है, अपनी अपनी पर्सनैलिटी, तो वो तुम्हें बताना सामने वाले वो कैसी पर्सनैलिटी है। तो देख लो ज़रा, मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ अभी, मैंने बोला टेल मी समथिंग अबाउट योर पर्सनैलिटी, तो देखो ज़रा कैसे होगा। टेल मी समथिंग अबाउट योर पर्सनैलिटी। आज तो मैंने भी बहुत ज़्यादा बोल लिया लगातार, आज बच्चे भी कम आए। टेल मी समथिंग अबाउट योर पर्सनैलिटी, ये देख लेना अबाउट है। हाँ ज़्यादा नहीं कहा मैं बोल रहा हूँ, सही चल रहा है। टेल मी समथिंग अबाउट योर पर्सनैलिटी, तो इसका क्या मतलब है, क्या पूछ रहा हूँ, किसके बारे में जानना चाहता हूँ बताओ? तुम्हारी फैमिली के बारे में, तुम्हारे मम्मी पापा के बारे में, तुम्हारे बारे में, तुम्हारे बारे में हो गया एक तरह से, मतलब तुम्हारे पर्टिकुलरली तुम्हारे करेक्टर नेचर के बारे में। तो देखो पर्सनैलिटी 2 तरह की होती है, एक को बोलते हो ये काम की चीज़ें, देख लो आज काम आएगी पक्का, प्रोमिस। मदर प्रो कैसे बोलते, मदर मम्मी कैसा। एक होता है इंट्रोवर्ट, सुना है वर्ड पहले, शायद वो देख रहा है वीडियो, उसने शायद सुना हो, नहीं भी सुना तो सुन लो, काम की चीज़ है, कूल है, मज़ेदार चीज़ है। एक होता है एक्सट्रोवर्ट, किसने सुना है वर्ड पहले, किसी ने नहीं सुना होगा, सुना है क्या? इंट्रोवर्ट होता है ऐसे वाला, कम बोलेगा, जो उसका फ्रेंड सर्कल है वो छोटा होगा, ऐसा नहीं कि बोलता ही नहीं बेजुबान है, तुम्हें पता लगा शाय पर्सन। अगर बहुत पुराना दोस्त है उसके साथ खुल मिल के बात करेगा, पर नया नया किसी को मिला बस में या कहीं पर देखा है, तो जितनी ज़रूरत है सामने से कोई बुलाएगा तभी बोलेगा वो, तो वो होता है इंट्रोवर्ट। स्मॉल सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, कई बार शर्मीला कह सकते हो तुम, स्मॉल सर्कल ऑफ फ्रेंड मतलब छोटे
छोटा सर्कल है अपने दोस्तों का, थोड़े दोस्त हैं, दो तीन होंगे, और शाय है ऐसा बोल सकते हो, कम बोलने वाला सिंपल शब्दों में, और ये पागल नहीं, ऐसा भी नहीं होता। एक्सट्रोवर्ट मतलब वो वाला पर्सन जो जैसे तुम पहली बार मिले हो ना, दोस्त बना लेगा तुम्हें, इतना खुश मिजाज पर्सन है वो। तुम हर बार कहीं पर भी देख लो, जाओगे ना बाहर, जिसको भी देखोगे तुम दो कैटेगरी में पाओगे, या तो इंट्रोवर्ट या तो एक्सट्रोवर्ट, दो कैटेगरी में होते। मैं कौन सा हूँ, हाँ मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ या इंट्रोवर्ट? तुम कौन हो? प्रदीप सिंह एक्सट्रोवर्ट मानते हो, तुम अपने आप को क्या मानते हो? हाँ ये कौन सा लगता है तुम्हें, इंट्रो की एक्स्ट्रो? एक्स्ट्रोवर्ट, हाँ ठीक है, फिर लग गया पता खुश मिजाज। ये हो गया फ्रेंडली, काफ़ी एंथुसियास्टिक, एंथुसियास्टिक मतलब ऐसे बोल दो एनर्जेटिक, ये भी होते हैं, ऐसे नहीं कि ढीले होते हैं, ये कम वाले हैं, ये थोड़े उछलते हैं ज़्यादा, ऐसे है, दोनों ही सही है, कोई गलत नहीं है। ये मत बोलना कि मेरे कम दोस्त है तो मुझ में कोई कमी है, या मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, कई ऐसे होते ना बहुत मतलब कॉन्टैक्ट होते हैं कहीं के, वो वाले एक्स्ट्रोवर्ट, ये मतलब कोई बुरी बात नहीं है, दोनों ही पर्सनैलिटी अपनी अपनी जगह, अपने के फ़ायदे हैं अपने नुकसान हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, अगर तुम एक एक्स्ट्रोवर्ट हो तो तुम्हें लोगों के साथ कम्युनिकेट करना ज़्यादा आसान होगा, तुम एकदम से दोस्त बना लोगे किसी को भी, तुम शर्माते ही नहीं हो, एकदम से किसी से कम्युनिकेट कर लेते हो, कोई अनजान आदमी मिला उसको अपनी चीज़ बेच दोगे। पर अगर तुम इंट्रोवर्ट तो शर्माओगे, इसको बोलूँ कि नहीं, गुस्सा तो नहीं कर जाएगा, कैसे वो बुलाएगा तभी बुलाऊंगा, अगर वो विश करेगा तो मैं तभी उसको विश करूंगा। एक वो ये होते हैं, तुम इनसे बात भी नहीं की है और तुम्हें विश कर देंगे हैप्पी बर्थडे गुड मॉर्निंग, तुम इनको बुलाते भी नहीं हो, और ये इंट्रोवर्ट, इनको मन तो करता है कि इसको बुला लूँ, पर वो बुलाएगा सामने से फिर ही बुलाऊँगा, वेट करते रहते, शर्माते हैं थोड़े। तो तुम अपने हिसाब से समझ जाओ तुम कौन हो। अगर तुम्हें लगता है मैं दोनों ही हूँ, कई ऐसे भी होते हैं यहाँ पर आते हैं बहुत खिल खिल कर बात करते हैं, घर पर जाके चुप हो जाते हैं, और कई ऐसे होते हैं घर पर शेर होते हैं बाहर आके चूहा बन जाते हैं, पता है ऐसा? स्कूल में बहुत तेज होते उड़ते हैं, या स्कूल में बिल्कुल चुप रहते हैं और घर जाते ही शैतान बन जाते हैं। मेरी बहन ऐसी है, घर पर शैतान, बाहर जाकर ऐसे चुप हो जाती, घर पर हो रही कोई और है, घर पर एक्स्ट्रोवर्ट है बाहर इंट्रोवर्ट है। तो अगर तुम्हें लगता है, और सभी में ऐसा होता है, मैं भी जैसे यहाँ पर बोल रहा हूँ ना, मैं हर जगह नहीं बोलता, बाकी कई जगह पर मैं बिल्कुल चुप रहता हूँ, कई जगह इंट्रोवर्ट बन जाता हूँ, यहाँ एक्स्ट्रोवर्ट हूँ मैं इस कमरे में इस रूम में। तो अगर लगता है तुम बीच वाले हो, बीच में जो माला होता है ना मिडिल ग्राउंड वाले हो, तो तुम अपने आप को एम्बीवर्ट बोल सकते हो। क्या बोला? एम्बीवर्ट, मैंने मार्कर थोड़ा लाइट ले लिया, AMBIVERT, लास्ट में सेम ही होता है VERT, ये मैं सही कर देता हूँ। एक्स्ट्रो इंट्रो एम्बी, एम्बी मतलब बीच वाला, उसको लगता है मैं थोड़ा ये भी हूँ और थोड़ा ये भी हूँ, तो वो भी ले लो तुम एम्बीवर्ट। अब समझ आ गया पर्सनैलिटी कौन सी? अब तुम्हें सामने वाले को आंसर दे देना, नहीं ये लिख लो अपने फ्रेंड, यहाँ एल आएगा, तुम्हारे काम की चीज़ें हैं बहुत कुछ है, मैंने बताया, लिखो। क्या पेज खत्म हो गया? लो इसके पीछे लिख लो, है अभी, चलो लिखो, तुमने लिखा लिया? ये देखता ही रहता है टुकु टुकु, मैंने हाँ बोला है ध्यान से सुनो इतना भी कि तुम बोल ही जाओ लिखना, थोड़ा दो पॉइंट रह गए, ये भी हो गया ऑलमोस्ट, फिर हॉबीज से खत्म करेंगे आज, हाँ थक गए, जायज़ है, जायज़ है, जितनी गर्मी है, ठंडे के दिन होते ना मज़ा आ जाता, हवा पता नहीं कब आएगी, पंखे चलाए हैं पर ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं किसने ओवन में बिठा दिया होता है, लग गया पता। तो हम देख लेना तुम कौन हो, मैं मान के चलता हूँ मैं गुरदीप सिंह हूँ और मैं एक्स्ट्रोवर्ट हूँ, तो मैं आंसर देने वाला हूँ अभी। सामने से पूछा गया है टेल मी समथिंग अबाउट योर पर्सनैलिटी, तो मुझे पता है मेरी पर्सनैलिटी इंट्रो एक्स्ट्रोवर्ट में आती है, तो मैं बोलूँगा सर या मैडम आई एम मैन, कौन सा पर्सन हूँ मैं कौन सा हूँ, इंट्रोवर्ट या एक्स्ट्रोवर्ट? सर आई एम एन एक्स्ट्रोवर्ट बोला था उसने, उसके हिसाब से लगा रहा हूँ, आई एम एन एक्स्ट्रोवर्ट पर्सन, मैं एक एक्स्ट्रोवर्ट व्यक्ति हूँ, मेरी ऐसी पर्सनैलिटी। अब समझ जाएगा सामने वाला कि ये वो टाइप का पर्सन है जो खुल मिल जाता है, इसके ज़्यादा दोस्त होंगे, कम्युनिकेट कर लेता है आराम से, शर्माता नहीं, डरता नहीं है,
इंट्रोवर्ट बोलोगे और कोई मतलब समझेगा, तो देख लेना अपने हिसाब से लगाना जो तुम हो, झूठ मत बोल देना। अब चाहो तो तुम दो तरीफे और बांध लो अपने, दो तरीफे कर दो यहाँ पर अपनी। पूछा है ना तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसे है, हाँ हाँ कल करा दो, हाँ अच्छा कर लो तरीफे, कहता कर लो मेरी तरीफे। तो गुरदीप सिंह बोला सर मैं बड़ा हार्ड वर्किंग हूँ, मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ, मैं काफ़ी और क्या है, मैं लिख रहा हूँ दो तीन वर्ड्स, आई एम वेरी स्मार्ट, ये थोड़ी बोलोगे, आई एम वेरी हार्ड वर्किंग। यहाँ बताना है तुम्हारी पर्सनैलिटी के बारे में, मतलब मैं काफ़ी हार्ड वर्किंग पर्सन हूँ, कॉन्फिडेंट पर्सन हूँ, ये मत दे देना जो मैंने डिट्टो लिखा है। एक और वर्ड दिखाता हूँ, सॉरी, सॉल्यूशन ओरिएंटेड। सॉल्यूशन ओरिएंटेड वर्ड नहीं सुना होगा तुम्हें, मुझे पता है क्या होता है सॉल्यूशन, पता क्या होता है, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम मतलब कठिनाई, हाँ प्रॉब्लम पता है, प्रॉब्लम का जो हल होता है वो सॉल्यूशन होता है। अगर मैं बोलता हूँ मैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन, मतलब मैं हल ढूंढने वाला पर्सन हूँ, सॉल्यूशन ओरिएंटेड। ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी सकारात्मक पर्सन, मैं लिख रहा हूँ इसको बेस करके, ऑप्टिमिस्टिक। अरे सीटिया बाद में मान लेना, देख लो कोई भी चुन लो जो अच्छा लगता है, पर तुम्हें सच बोलना है, झूठ मत बोल देना कुछ भी। आई एम हार्ड वर्किंग, हो कॉन्फिडेंट का क्या मतलब होता है, कॉन्फिडेंट का मतलब कॉन्फिडेंट, विश्वास है तुम्हें अपने आप पर। सॉल्यूशन ओरिएंटेड मैंने भी बताया, जो हल ढूंढता है, हल। अब तुम मुझे बताओ तुम मेरे को इंटरव्यू देने आए हो, मैंने तुम्हें पूछा व्हाट इज योर पर्सनैलिटी, तुमने बोला आपका यहाँ पंखा नहीं चलता, ठीक करो इसको, आपका ये टेबल टूटा हुआ है, ये हुआ है, आपकी जो वो है ना वो मुझे पार्किंग नहीं दे रही थी बाहर पियो, मैं क्या बता रहा हूँ सॉल्यूशन की प्रॉब्लम, प्रॉब्लम मुझे ऐसे लोग पसंद आएंगे, मैं तुम्हें हायर कर रहा हूँ, तुम्हें रख रहा हूँ, तुम्हें लूँगा क्या कि जो वो पर्सन जो मुझे हल ढूंढ के देगा कि आप ऐसा कर सकते हो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कौन सा अच्छा लगता है, जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो, जो सॉल्यूशन की तरफ घूमे। ऑप्टिमिस्टिक बताया मैंने क्या होता है, पॉजिटिव तो बताया ना, सकारात्मक इंसान। अच्छा कौन तुम्हें कौन सा पसंद आता है, सकारात्मक या नकारात्मक, नकारात्मक पसंद आता है तुम्हें रखूँगी जो सकारात्मक है उसे रखो, तुम्हें रखूँगी इसको, तुम सकारात्मक हो या नकारात्मक है, तुम सकारात्मक पॉजिटिव पर्सन हो, ये नेगेटिव पर्सन है, ये कंप्लेंट ही करता है, कमियाँ ही निकालता है, तुम हल ढूंढते हो, अच्छी तुम पॉजिटिविटी देखते हो हर चीज़ में, किसको रखूँ इसको कि तुम्हें, तुम्हें कि इसको, नहीं इसको रखूँ कि इसको रखूँ, उसको रख लो, हाँ सही है तेरा, अच्छा मैं अपना काम खराब करूँ है ना। ऑप्टिमिस्टिक देख लो, पॉजिटिव को बोलते आशावादी को बोलते हैं वैसे जो पॉजिटिव लोग होते हैं। सॉल्यूशन मैंने बता दिया हल ढूंढने वाले, ऐसे बहुत चीज़ें हैं तुम नेट पे सर्च कर सकते हो, अपनी जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है, तुम्हारे में अच्छी सी क्वालिटीज़ है वो बता सकते हो। लास्ट में लिख देता हूँ चलो, कंपैशनेट। कंपैशनेट पता वर्ड, कंपैशनेट मतलब तुमने वो कभी इंजेक्शन लगवाने गए होगे या कोई डॉक्टर नर्स के पास गए होगे तो कितने प्यार से सहानुभूति से तुम्हें बात करेंगे, सिंपैथी दिखाएंगे तुम्हें, सहानुभूति किसी के लिए दूसरे के लिए फील करना। एक देखो तुम्हारे चोट लगी, हम दो लोग हैं, मुझे बड़ा हुआ यार फिर चोट लग गई, ज़्यादा तो नहीं लगी, ये कहता है इसे कुछ बोला ही नहीं कहता चलो फिल्म देखते हैं। कंपैशनेट मतलब तुम दूसरों के लिए समझते हो, फील करते हो, ये तुम्हारे काम की चीज़। अगर तुम ऐसे जॉब पे ढूंढने जा रहे हो जहाँ लोगों को समझना है, तुम बोलो मैं कंपैशनेट हूँ, तुम उसके लिए सही हो, पर तुम बोलते मुझे लोगों के लिए फील ही नहीं होता है तो तुम्हें रखूँगा क्या मैं, जहाँ पर मुझे लोगों को समझने की ज़रूरत है। ये ज़रूरी नहीं है यही बोल देना, मान अगर हो तो तभी बोलो सॉल्यूशन ओरिएंटेड, कल को तो बोलो सर आई एम एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन, आई एम वेरी सॉल्यूशन ओरिएंटेड, मतलब हल ढूंढने वाला, तो मैं बड़ा हुआ यार बड़ा पॉजिटिव पर्सन है, हल ढूंढेगा ये तो मेरा काम बढ़ाएगा आगे। चलो रख लेते हैं इसको, अच्छू को, गुरदीप सिंह को इसको रख लिया। अगले दिन आया बोलता है सर आपका पंखा नहीं चलता तो अगर हो तो तभी बोलो, अगर कॉन्फिडेंट है सच में तो फिर ही बोलो, तुम बोलो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, दिख जाता कितना कॉन्फिडेंट हो, समझ आया।
तुम हो तो तभी बोलो, हार्ड वर्किंग पूरा दिन लेटे रहते हो, आज हो आलसी पर बोलते हो आई एम हार्ड वर्किंग, अगर हो तो फिर ही चीज़ें बोलना, लिख लो, तुमने लिख लिया। लास्ट इज हॉबीज, कभी कभार पूछते हैं, जो ये लास्ट क्वेश्चन है टॉपिक जो मैं करूँगा अभी, टेल मी समथिंग अबाउट योर, सीधे हाँ सीधा पूछ सकते हो, व्हाट आर योर हॉबीज, हॉबीज पता नहीं क्या होती हैं, जो तुम वेले टाइम करते हो, शौक क्या है तुम्हारे, व्हाट आर योर क्या हॉबीज, पता लग गया कि नहीं लगा अभी भी, हॉबीज क्या होता है, वेले टाइम, अगर तुम कोई घर जाकर अभी किताब पढ़ने लग जाएगा ऐसे, और एक बंदा है टीवी देखने लग जाएगा, गेम खेलने लग जाएगा, फोन चलाने लग जाएगा, तो उस तो हॉबी किसकी क्या हुई, पहले वाले की क्या थी, बुक पढ़ना, दूसरे वाले की टीवी देखना, खेलना, बस तुम्हारे क्या शौक है, कई बार पूछते हैं कई बार नहीं, अगर इंट्रोडक्शन दे रहे हो अपने बारे में परिचय दे रहे हो तो फिर तो बता ही दो, तो बोलो क्या शौक है बताओ गुरदीप सिंह तुम्हारे, आज तुम्हारे शौक बता ही जाए यूट्यूब पर क्या पता तुम्हें सेम इंटरेस्ट वाला मिल जाए, हाँ गेम खेलना, तो बोलो नहीं वो तो हो गया मैं खेल रहा हूँ उसने बोला मुझे गेम खेलना पसंद है और हाँ गेम्स आई एम लाइक गेम्स, नहीं नहीं मैं पूछ रहा हूँ और क्या शौक है तुम्हारे, क्या शौक है गेम के अलावा, चलो मान लेते तुम्हें गाना सुनना पसंद है, फुटबॉल खेलना पसंद है, तीन हॉबीज हो गई, बुक पढ़ना पसंद, जो भी तुम्हें अच्छा लगता है तुम बोलो, आई प्ले गेम्स इन माई लेजर टाइम, लेजर टाइम, लेजर टाइम मतलब वेला टाइम, लेजर नहीं बोलना अच्छा लगता तो फ्री बोल दो, हाँ फ्री बोल दो चलेगा, ऐसे भी बोल सकते हो या ऐसे बोल दो जो तुम्हें आसान लगता, आई लाइक टू प्ले गेम्स, ऐसे दोनों जो अच्छा लगता है तुम्हारे हिसाब से, पता लगा, या लास्ट तरीका ये है, तुम्हें अलग अलग तरीके से बता रहा हूँ, मैं बोलो माई हॉबीज आर प्लेइंग वीडियो गेम, एक ये थी ना, वीडियो गेम खेलते हो और गेम खेलते हो, भाई और ही गेम खेल रहे हो पता लगे, हाँ गुरदीप सिंह गेम खेलता है सर, आपको नहीं पता, बहुत खतरनाक आदमी है ये, वीडियो गेम्स और क्या करना पसंद है तुमने बोला था, लिसनिंग म्यूज़िक और क्या था, बुक्स पढ़ना, या चलो फिल्में देखना पसंद है, वॉचिंग मूवीज, अरे हार्ड वर्किंग तो तुम अपनी पर्सनैलिटी में अपनी स्ट्रेंथ में बताओगे, एंड किताब पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीडिंग बुक्स, एंड रीडिंग बुक्स, अरे ऐसे बता रहा हूँ तुम अपने हिसाब से देख लेना, तुम्हें बहुत हो रहा है ना देख रहा है वीडियो कि सर आपने मेरा वाला नहीं बताया, तो पता क्या करो, जो भी तुम्हें पसंद है हिंदी में लिखो, गूगल पर डालो, उसको ट्रांसलेट कर लो, मुझे मेरी हॉबीज़ हैं फुटबॉल खेलना, ड्राइंग बनाना, खाना बनाना, अब मैंने ये तो नहीं कराया, तो गूगल पर जाकर लिखो ना हिंदी टू इंग्लिश, वहाँ पे लिख कर ट्रांसलेट कर दो, कैसे बनाना कैसा दिखेगा थोड़ा, तो आइडिया दे दिया ना मैंने तुम्हें, कहाँ बताना है ये भी बता दिया, बिल्कुल एग्जैक्ट डिटो वहाँ से निकाल लो, नहीं पता लगता मुझे कमेंट करके बता दो, तो ठीक है इतने ही टॉपिक आज भी थे, अभी क्या रह गया, हॉबीज़ हो गया, देख लो तुम्हें बताया कि कैसे तुम्हें बिछाना है वाइल एन इंटरव्यू, या इंटरव्यू के दौरान क्या नाम प्लेस एज फैमिली के भी क्वेश्चन बता दिए, तुम्हारी क्वालिफिकेशन एडुकेशन कोई काम किया है कि नहीं, तुम्हारी पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, अभी हॉबीज़ बताया, पर मैंने और कोई पॉइंट जो मेन चीज़ तुम्हें माइंड में रखनी है, एक लास्ट चीज़ पता मैं, जब भी इंटरव्यू दे रहे हो या अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो एक चीज़ ज़रूर रख लेना प्लीज़, ये काम की चीज़ें सच बता रहा हूँ, स्माइल में अपना ही एक जादू है, हाँ एक चीज़ देखिए ज़रूरी नहीं कि तुम्हें अभी क्वेश्चन कल मैं इंटरव्यू लूँगा, अरे बैठो अभी बोल के तो जाओ, हाँ जाने की बहुत जल्दी सर, आज पढ़ा ही ज़्यादा थी, बैठो सर
सुन के जाओ कल का काम, कल इंटरव्यू लूँगा पूरा। हाँ जी बैठ जा, कल इंटरव्यू लूँगा और कल इंट्रोडक्शन देना है कि इंटरव्यू, मतलब मैं सामने से सवाल पूछो और तुम जवाब दो, या एक बार में खुद ही अपना परिचय दे देना है, आई एम देव, आई एम गुरदीप सिंह, आई एम डैश, एक बार में अपने सारे आंसर दे देना। कैसे करना है? इंटरव्यू देना है, ठीक है? इंट्रोडक्शन तो पता ना, जो मैंने आज को इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन नहीं लगेंगे, सीधा आंसर होंगे, तुम सीधा राइज पर आओगे, सीधा जो मैंने आंसर लिखाए हैं सारे नीचे वाले, एक बार में बोल दोगे, आई एम गुरदीप सिंह, आई लिव इन डैश जगह, माई एज इज डैश, माई फादर नेम इज, हाँ नहीं मैं इंट्रोडक्शन का बता रहा हूँ, किसी के माइंड में है कि सर आपने इंट्रोडक्शन का नहीं बताया, तो यही सब था बस, बिना क्वेश्चन को डिलीट कर दो और आंसर एक बार में बोल दो सारे एक साथ में, हो गया इंट्रोडक्शन। कोई डाउट है तो बंद कर दो ना फिर। चलो थैंक यू इतनी देर गर्मी में झेलने के लिए, मुझे पता है तुम भी अग गए हो।